भक्तमहं वंदे परमानंद माधवम्। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजितायाम संस्कृत साहित्य द्वारा व्यक्तित्व विकास इति व्याख्यान मालायाम अहम ललित पटेलः भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतं अभिवादनं च करोमि। अद्य व्याख्यान मालायाः समापन कार्यक्रमः अपि वर्तते। 23 जून तः व्याख्यान माला आरब्धा। अद्यावधि 7 व्याख्यानानि जातानि। तद्यथा प्रथमं व्याख्यानं पहला व्याख्यान था परम पूज्य मुदित वदनानंद महाराज जी का, जिनका विषय था व्यक्तित्व विकास में भगवद गीता का योगदान। दूसरा व्याख्यान था पूज्य श्रीमंत रमेश भाई ओझा जी का, जिनका विषय था संस्कृत वाङ्मय द्वारा व्यक्तित्व विकास। तीसरा व्याख्यान मितेश विनोद कतिरा जी ने प्रस्तुत किया था, जिसका विषय था संस्कृत द्वारा बाल विकास। मान्या इंदुमती बेन काटदरे महोदया ने भी एक व्याख्यान दिया था, जिसका विषय था संस्कृत की ज्ञान संपदा एवं व्यक्तित्व विकास। उसी श्रृंखला में पांचवा व्याख्यान श्री डॉक्टर महादेव प्रसाद मेहता ने दिया था, जिसका विषय था रामायण द्वारा व्यक्तित्व विकास। और छठा जो व्याख्यान था वो डॉक्टर कृणाल भाई जोशी जी ने प्रस्तुत किया था, जिसका विषय था पुराण वाङ्मय द्वारा व्यक्तित्व विकास। और कल श्री ज्ञान वत्सल स्वामी जी ने अपनी अमृतवाणी का लाभ दिया था, उनका विषय था महाभारत द्वारा व्यक्तित्व विकास। 7 व्याख्यान माला की ये श्रृंखला के हम अंतिम पड़ाव में है और आज हम श्री माधव प्रियदास जी स्वामी जी का व्याख्यान सुनने जा रहे हैं। तो मैं इसी अवसर पर इस व्याख्यान माला की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज उसके समापन कार्यक्रम में सभी महानुभावों का अभिवादन करते हुए हमारे जो अध्यापक है डॉक्टर कज रावल जी को मैं मंगलाचरण के साथ महानुभावों का शाब्दिक स्वागत करने के लिए विनती करता हूं। तो मैं पंकज जी को विनती करता हूं कि वो मंगलाचरण पूर्वक महानुभावों का शाब्दिक परिचय पूर्वक उनका अभिवादन स्वागत करें। डॉक्टर पंकज रावल जी। ललित जी मेरी आवाज सुनाई? पंकज जी मन ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसि जायत महारथो जाय सान्दोग्रे धेनुर्वोढा नडवाना सप्तिः पुरन्धिर्जोखा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो जुवास्य जजमानस्य वीरो जाय तान्निकामे निकामे नः पर्जन्यो बरेखतु फलवत्यो न ओखदयः पत्यन्ताञ्जोगक्षेमो नः कल्पताम् विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जद्भजरन्तन्न आसुव। ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। परम श्रद्धेयाः परम पूज्याः प्रवासतीर्थस्य अधिष्ठाता स्वरूपाः भगवन्तः श्री सोमनाथ चरणाः तथा च अद्य अस्माभिः सद्भाग्येन सम्प्राप्ताः तादृशाः पूज्याः परम श्रद्धेयाः प्रातस्मरणीयाः श्री माधवप्रियदास स्वामिनः तथा च महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन सह अस्माभिः सद्भाग्येन सम्प्राप्ताः श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य पूर्वकुलपतयः डॉक्टर पंकज जानी जी महोदयः, श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वर्तमान कुलपतयः प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र महोदयः, कुलसचिव महोदयः डॉक्टर दशरथ जाधव जी महोदयः, सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय संचालित संस्कृत महाविद्यालयस्य प्राचार्यः डॉक्टर नरेंद्र कुमार पंड्या जी महोदयः, पूज्याः गुरवः अनुस्नातक भवनाध्यक्षः डॉक्टर ललित भाई पटेल महोदयः, अन्य प्राध्यापकः फेसबुक माध्यमेन पश्यन्तः सर्वे श्रोतारः दर्शकाश्च। आज परम सौभाग्य का दिवस है कि इस आषाढ़ मास की दशमी तिथि के मंगलवार को हमें
पूज्य चरणों का सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है। मेरा यह भी सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुषों का मैं परिचय प्रदान करने का एक नम्र प्रयास कर रहा हूँ। आज मने ए महानुभावों परिचय प्राप्त करावा माटेनु सौभाग्य मळ्युं छे के जेमनी निश्रा में हूँ उछेर्यो छू अथवा तो मैं शिक्षण जगत में पापा पगली करवानु शुरू कर्यु छे एवा आदरणीय ने परम पूज्य परम श्रद्धेय डॉक्टर पंकज जानीजी चरणों में पहला तो हूँ कोटि कोटि प्रणाम करू छू। जेवो अत्यारे महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन नी अंदर कुलपति तरीके बिराजे छे। आ नाम एवं छे के जे नाम ने गुजरात नी अंदर कोई न ओळखत एवं न बनी सके। जेवो ए सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी नी अंदर बे टर्म सुधी कुलपति पद ने शोभाव्यु छे अने त्यार बाद डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी ना वाइस चांसलर तरीके कुलपति तरीके पण तेमणे सेवा प्रदान करी अने संस्कृत ना शिक्षण में क्षेत्र में खूब मोटी सेवा करी छे। आज गुजरात नुं ए प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश नी शोभा वधारी रह्यु छे एवा पूज्य चरण श्री पंकजभाई जानीजी ना चरण में हूँ कोटी कोटी प्रणाम करी अने एमनो आ लघु परिचय आपी अने हूँ समय ने साचवानी एक चेष्टा करू छुं। आज आपणे परम सौभाग्य थी प्राप्त थया छे परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री माधव प्रिय दास स्वामीजी जेवनो परिचय पण सुविदित छे। आजना बन्ने महानुभाव स्वनाम धन्य छे। गुजराती भाषा नी एक पंक्ति छे, नथी विद्वता वापरी देश दाजे, नथी वापरी पाय परलोक काजे, नथी काम कीधा स्वदेशाभिमानी, वृथा कोयो करीशी कमाणी। आउ पोतानु व्यक्तित्व शिक्षण जगत ने संसार ने समाज ने उन्नत बनावा माटे जेमणे खर्ची दीधु छे, होमी दीधु छे, समर्पित करी दीधु छे एवा बन्ने शिक्षण प्रेमी अने गुरुचरण मां अनुराग धरावनारा एवा संत आज आपणने प्राप्त थया छे। सद्विद्या प्रवर्तन स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थापक सहविद्या सद्धर्म रक्षक पूज्य शास्त्रीजी महाराज श्री धर्म जीवनदास जी स्वामी स्वामीनारायण संदेशाओने वहता करिया अने एज परंपरा में गुरुजी ना कृपा पात्र शिष्य एवा श्री माधवप्रिय स्वामीजीए गुरुना एज पथ ने वधारे प्रशस्त करवा माटे गुरुना ए मार्ग ने वधारे प्रशस्त करवा माटे पोतानुं जीवन ए शास्त्र सेवामां समर्पित करी दीधुं। 26 ऑक્ટોબર 1950 ના દિવસે તેઓ આ ધરાતલ ઉપર પધાર્યા છે। શાસ્ત્રીજી મહારાજના શિષ્યને ગુરુજીએ પહેલેથી એમનું નૂર ઓળખી લીધું જેથી કરીને સંપૂર્ણાનંદ સંસ્કૃત વિશ્વવિદ્યાલયમાં અભ્યાસ માટેની એમણે અનુમતિ આપી। પૂજ્ય માધવ પ્રિયદાસ સ્વામીજીએ સંપૂર્ણાનંદ સંસ્કૃત વિશ્વવિદ્યાલયમાં સાંખ્યશાસ્ત્ર, યોગશાસ્ત્ર અને વેદાંત શાસ્ત્ર સાથે ગોલ્ડ મેડલ પ્રાપ્ત કરી અને અનેક પદવીઓ પ્રાપ્ત કરી છે। વડતાલ પીઠ દ્વારા જેમને સદગુરુની પદવી પ્રાપ્ત થઈ છે। વિદ્વત ભૂષણ 2009 કર્ણાટક દ્વારા એમને આ સન્માન આપવામાં આવ્યું છે। પૂજ્ય ભાઈશ્રીએ શ્રી રમેશભાઈ ઓઝાજીએ પોરબંદરની અંદર જેઓને દેવર્ષિ એવોર્ડથી સન્માનિત કર્યા છે 2001, પ્રોફેશનલ એક્સિલન્સ એવોર્ડ જેમને 2005 પ્રાપ્ત થયો છે। વિશેષ આનંદની વાત એ છે કે સોમનાથ સંસ્કૃત યુનિવર્સિટીએ પૂજ્ય માધવ પ્રિયદાસ સ્વામીજીને ડિલીટની પદવીથી પણ એમનું અર્ચન અને પૂજન કર્યું છે। ખરેખર આ બધા એવોર્ડ સ્વામીજીને મળ્યા છે એમ નહીં પણ આ બધા એવોર્ડ સ્વીકારી અને માધવપ્રિય સ્વામીજીએ એવોર્ડની શોભા વધારી છે એવા પૂજ્ય સ્વામીજી આજ આપણને સારસ્વત વક્તા તરીકે પ્રાપ્ત થયા છે। એસજીવીપી ક્રિએટિવ ઓફ પીસ એમ્બેસેડર તરીકે 2018 એમનું સન્માન થયું છે। ગુજરાત ગૌરવ એવોર્ડ 2019 તેમને મુંબઈ તરફથી પ્રાપ્ત થયો છે અને 2000 શિકાગો વિશ્વ ધર્મ પરિષદની અંદર તેમણે ધર્મગુરુ તરીકે પ્રતિનિધિત્વ કરેલું છે। 450 જેટલા ગ્રામ્ય છાત્રોને આજે તે અમદાવાદના મેમનગર ગુરુકુળની અંદર અભ્યાસ કરાવી રહ્યા છે। અહીંયા ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ઉનાની પાસે દ્રોણેશ્વર મહાદેવ છે, ત્યાં દ્રોણેશ્વરની પરમ પાવન ભૂમિ ઉપર તેઓ ધોરણ 1-12 જેટલા વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસ કરાવી રહ્યા છે। સોમનાથ સંસ્કૃત યુનિવર્સિટીમાં પણ સમયે સમયે આદિવાસી દીકરીઓને ઉન્નત અને પ્રગતિ કરાવવા માટે એમણે દત્તક લઈ અને આ વિશ્વવિદ્યાલયને પણ ખૂબ અનુદાન આપ્યું છે અને પોતાના ગુરુજીની સ્મૃતિમાં 108 દીકરીઓને દત્તક લીધે છે। આવા એસજીવીપી હોલિસ્ટિક હોસ્પિટલના સ્થાપક, 108 ગામને સ્વચ્છતા અભિયાન અંતર્ગત જેમણે દત્તક લીધા છે, ઓર્ગેનિક ખેતી પણ જેઓ કરાવી રહ્યા છે અને જ્ઞાનની પાંખ અને અનુભવની આંખ અથવા જ્ઞાનની આંખ અને અનુભવની પાંખ આના દ્વારા જે આ સમાજમાં બહુ મોટું ધર્મનું અને સેવાનું કાર્ય કરી રહ્યા છે, જેમણે 12 ગ્રંથો લખ્યા છે એવા પરમ શ્રદ્ધેય પરમ પૂજ્ય શ્રી માધવ પ્રિયદાસ સ્વામીજી આપણને સારસ્વત વક્તા તરીકે આજે પ્રાપ્ત થયા છે અને આજે આપણે એમને સાંભળીશું
એમનો વિશેષ પરિચય હશે, કારણ કે એ સ્વનામ ધન્ય છે અને સ્વામીજીની મારા પર વિશેષ કૃપા રહી છે અને એના માટે પણ હું મારી જાતને ધન્ય સમજુ છું. આદરણીય પંકજભાઈ જાનીજીની પણ મારા ઉપર કૃપા રહી છે અને કૃપા બની રહે એવી અભ્યર્થના સાથે આજે આપણી સાથે જોડાયા છે શ્રી સોમનાથ સંસ્કૃત યુનિવર્સિટીના કુલપતિ પ્રોફેસર ગોપબંધુ મિશ્ર સાહેબ, કે જેમની પ્રેરણાથી આ શીર્ષક સાથે આ વ્યાખ્યાનમાળા શરૂ થઈ છે કે સંસ્કૃત સાહિત્ય દ્વારા વ્યક્તિત્વ વિકાસ. વહીવટી માર્ગદર્શન આપનારા ડોક્ટર દશરથભાઈ જાદવ, કુલસચિવ શ્રી સોમનાથ સંસ્કૃત યુનિવર્સિટી, એ પણ આ કાર્યક્રમમાં આદ્યોપાંત પહેલેથી છેલ્લે સુધી જોડાયા રહેલા છે અને માર્ગદર્શન આપી રહ્યા છે. આ સમયે એમના પણ પરિચય સાથે એમનું પણ શાબ્દિક સ્વાગત કરું છું. યુનિવર્સિટીના તમામ કર્મચારીઓ, શિક્ષણવિદો અને ફેસબુકના માધ્યમથી આ 7 કે 8 દિવસથી ચાલી રહેલી આ વ્યાખ્યાનમાળાને જેઓ માણી રહ્યા છે એવા તમામ પૂર્વ વક્તાઓનું અને દર્શકોનું અને શ્રોતાઓનું હું સોમનાથ સંસ્કૃત યુનિવર્સિટી પરિવાર વતી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું અને આ બધા જ પુણ્ય ચરણોના ચરણમાં હું નતમસ્તક પ્રણામ સાથે મારી જાતને ધન્ય સમજી શાબ્દિક સ્વાગત કરી અને મંગલાચરણ કરી આટલી જ વાત આપના સમક્ષ આપને સમર્પિત કરી ભગવાન સોમનાથને પ્રાર્થના કરી અને હું વિરમું છું. સૌને મારા પ્રણામ. જય સોમનાથ. જય સોમનાથ. જિન્હોને અભી પરિચય વ્યાખ્યાન દિયા વૈસે ડોક્ટર પંકજભાઈ રાવલજી ભી ઇસ વ્યાખ્યાન માલા કે સંયોજક હૈ ઓર પુરાણ સંકાય કે ડીન હૈ ઉનકે પ્રતિ ભી મેં ભાવાંજલિ પ્રકટ કરતા હું. અબ ઇસ વ્યક્તિત્વ સંસ્કૃત સાહિત્ય દ્વારા વ્યક્તિત્વ વિકાસ વ્યાખ્યાન માલા કા આજ 8વા પુષ્પ ભી હમ કરને વાલે હૈ ઓર ઉસકા સમાપન કાર્ય ભી સાથ મેં ચલને વાલા હૈ. अब इस कार्यक्रम में उपस्थित सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी के प्रथम कुल संप्रति वो मध्य प्रदेश में वैदिक पाणिनि एवं वैदिक यूनिवर्सिटी उज्जैन उज्जैन में कुलपति के रूप में कार्य कर रहे हैं ऐसे परम पूज्य परम श्रद्धेय और आज के कार्यक्रम के अतिथि विशेष के रूप में हमारे निमंत्रण से पधारे हुए डॉक्टर प्रोफेसर पंकज जानी जी को मैं सादर निमंत्रित करता हूं कि वो अपनी वाणी से हमें आप्लावित करें. माननीय प्रोफेसर पंकज जानी महोदय. सर आपका म्यूट है, आपका म्यूट है सर. सर सर आपका माइक म्यूट है. गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए. परम पूज्य परम वंदनीय संत श्री माधव प्रिय दास जी के चरणों में नतमस्तक कोटि कोटि वंदन करता हूं. सभा में उपस्थित विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति जी, आदरणीय प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र जी, विश्वविद्यालय के कुल सचिव जी आदरणीय डॉक्टर दशरथ जाधव जी, आदरणीय प्रोफेसर नरेंद्र पंड्या जी, आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर डी एन पांडे जी, आदरणीय डॉक्टर ललित पटेल जी, आदरणीय डॉक्टर पंकज रावल जी, प्रोफेसर दवे जी, संस्कृत विषय विशेषज्ञ विद्वत्गण, विश्वविद्यालय के अध्यापक गण, विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्य, छात्रगण और इस कार्यक्रम में जुड़े सभी संस्कृत अनुरागी बंधु को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है. कार्यक्रम के आयोजन के लिए विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति जी एवं परिवार के सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि मुझे इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. विश्वविद्यालय अपने उत्कृष्ट स्तर पर है, विश्वविद्यालय में बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है, इसलिए मैं सम्माननीय कुलपति जी को, आदरणीय कुलसचिव जी को, अध्यापक गण और परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और इसी तरह से हमारी इस ज्ञान की प्रवृत्ति जो है, ज्ञान का कार्य जो आगे बढ़ रहा है,
यह लगातार निरंतर बढ़ता ही जाए। मुझे विषय दिया है संस्कृत साहित्य द्वारा व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व विकास, व्यक्ति मनुष्य मानस, ऐसा कहते हैं मानस मनुष्य, तू पहले इंसान तो बन, मनुष्य तो बन, मानवी तो था। और साहित्य की जब बात आती है और जब उसमें विशिष्ट संस्कृत साहित्य की बात, संस्कृत हमारी जननी है, संस्कृत हमारी संस्कृति है, संस्कृत हमारी माता है, सभी भाषाओं की जननी हमारी संस्कृति संस्कृत है, और उस संस्कृत साहित्य की बात करें, ऐसा कहते हैं कि भगवान को जब कुछ कहना होता है, भगवान को समाज को कुछ मैसेज देना होता है, किसी बात को कहना होता है, तो भगवान कवि के माध्यम से, किसी किसी साहित्यकार के माध्यम से अपनी बात भगवान समाज को। A poet is an inspired person, a gifted person. He gets inspiration directly from God. और भगवान उसे प्रेरणा देते हैं क्रिएशन की, प्रेरणा देते हैं उसे किसी रचना करने की। और रचना की जब बात आती है, संस्कृत साहित्य की बात आती है, तब हम शुरुआत करते हैं वेदों से। भगवान की वाणी गॉस्पेल है, भगवान बोलते हैं, ब्रह्मा जी की वाणी। वेदों की बात हम करते हैं, गणपति लिखते हैं, वेद व्यास जी का क्रिएशन, ब्रह्मा जी बोलते हैं। अब इससे ज्यादा और बड़ी चीज क्या हो सकती है? वेदों की बात करें हम, उपनिषद की बात करें, पुराण की बात करें, रामायण महाभारत की बात करें, जातक कथाएं हो, या कवि कालिदास की बात हो, या फिर संस्कृत में लिखे गए हमारे सभी महाकाव्यों की बात हो, फिर वह कुमार संभव हो, बुद्ध चरित हो, किराता अर्जुनियम हो, रावण वध हो, शिशुपाल वध की बात हो, नैषत चरित की बात हो, या जरासन वध की बात हो, साहित्य संस्कृत साहित्य में हर जगह पर मैसेज है, हर जगह पर व्यक्ति निर्माण की, मनुष्य के निर्माण की बात, समाज के निर्माण की बात, राष्ट्र के निर्माण की बात हर जगह पर कही गई है। मैं बात करूं समुद्र मंथन की, आज हमें समुद्र मंथन की जरूरत नहीं है, आज हमें जरूरत है मानव मंथन की। मनुष्य का मंथन करना है, छात्र का मंथन करना है, हमारे छात्र में, हमारे बच्चे में, हमारे किसी भी विद्यार्थी में कई सारी चीजें, उसमें कौशल्य है, पर उस कौशल्य को हमें बाहर निकालना है, और इस कार्य को हमारे अध्यापक ही इस कार्य को कर सकते हैं। जब हम व्यक्तित्व की बात करते हैं, तो व्यक्तित्व मेरा खुद का व्यक्तित्व, व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू, मुझे क्या करना है, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। पहले व्यक्ति अपने आप को, स्व को पहचाने। बात यह होती है कि हम हमारे अगल बगल में जो लोग हैं उनकी बात करते हैं, पर मुझे खुद को क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरी क्या क्षमता है, मैं नहीं पहचानता, मैं नहीं जानता। मुझे खुद को क्या करना है, पहले यह जानना जरूरी है, मेरे में क्या क्षमता है। हम बात करते हैं व्यक्तित्व विकास की, ये व्यक्तित्व की जब बात आती है, फिर वो सादगी हो, आपके सदाचार हो, सरलता हो, अनुशासन हो, सत्य हो, सिंसियरिटी हो, काम के प्रति आपका समर्पित भाव हो, गुरुजनों के प्रति आपका आदर सत्कार हो, बड़े बुजुर्गों के प्रति आपका मान सम्मान हो, प्राचीन संस्कृति की बात, सुसंस्कृत व्यक्ति है कि नहीं, यह सुसंस्कृत व्यक्तित्व, हमारी संस्कृति का ज्ञान, यह सुसंस्कृत व्यक्तित्व ही व्यक्तित्व विकास का आधार है। मैं चाहता हूं पहले मैं अपने आप को जानूं, मैं क्या कर सकता हूं। एक अच्छा शिक्षक, मेरी हमेशा से बात रही है, मैं जब भी कुलपति के रूप में श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय में कार्य किया हो या महाविद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य किया है, हमेशा मैंने बात रखी है कि शिक्षक सर्वदा असाधारण होता है। शिक्षक ही हमारे छात्र का निर्माण कर सकता है, छात्र निर्माण कर सकता है।
चाणक्य ने बात कही थी, प्रलय और निर्माण की बात कही थी, पर हमें आज प्रलय और निर्माण की बात नहीं करनी है, व्यक्ति निर्माण की बात करनी है, हमें छात्र निर्माण की बात हमें करनी है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, हनुमान जी समुद्र किनारे हैं, हनुमान जी जैसे हनुमान जी बलशाली, हम लोग सब जानते हैं हनुमान जी कौन है, पर हनुमान जी जैसे हनुमान जी भी अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं, और उस समय जामवंत जी गुरु के रूप में, टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में आकर उन्हें शेक करते हैं, समुद्र मंथन नहीं मानव का मंथन करते हैं, और उन हनुमान जी जैसे हनुमान जी को जामवंत जी उनकी शक्तियों के बारे में याद दिलाते हैं। तो आज ये व्यक्तित्व विकास की जब हम बात करते हैं, तो हर शिक्षक से मैं बात करना चाहता हूं, मैं हर शिक्षक को कहता हूं कि हमारे छात्र का निर्माण हमारे गुरुजनों के हाथ में है, हमारे शिक्षकों के हाथ में है। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घट घट काढ़े कोट, अंदर हाथ साह दे बाहर लगावे चोट। मैं छात्रों को भी कहना चाहता हूं कि आजकल परिस्थिति कुछ अलग तरह की हो गई है, हमारे शिक्षक हमारे गुरुजन कुछ अपने गुजराती में जिन्हें कहिए टकोर करे, खाली टकोर करे तो पण कई घनी बार विद्यार्थियों ने छात्रों ने वो टकोर जो है उनको अच्छी नहीं लगती, उनको ऐसा लगता है कि हमारे गुरु में हमें हमें हमारी इंसल्ट कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। बात बिल्कुल गलत है। शिक्षक होता है शिक्षक अंदर हाथ सराह दे, अंदर आपको सपोर्ट करता है अंदर से, और बाहर से आपको जिस तरह से कुमार की बात है मटका बनाते हैं, अंदर से उस मटके को सपोर्ट करता है कुमार और ऊपर से उसको थपेड़ता है, तभी तो निर्माण होता है, तभी तो मटका बनता है। यही बात हमारे शिष्य की भी है, यही बात इस निर्माण कार्य की है। बात आती है व्यक्तित्व विकास की, बात आती है रामायण महाभारत की। मैं महाभारत का एक उदाहरण देना चाहता हूं कि एक छात्र एक विद्यार्थी कैसा होता है, मैं बात करूंगा शिक्षक कैसा होता है उसकी भी बात करूंगा, पर पहले मैं उदाहरण देना चाहता हूं एक छात्र की। हस्तिनापुर का युवराज कौन होगा, दुर्योधन या युधिष्ठिर? सभा मंडल में निर्णय हुआ कि परीक्षा की जाए, टेस्ट किया जाए, जो भी परीक्षा में सफल होता है हस्तिनापुर का युवराज पद उसे दिया जाएगा। सभी ने निर्णय किया, प्रश्न पूछने की बात आई, और प्रश्न यह था कि किसी एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या की है, उसे मार दिया है बिना किसी कारण से, उसे मार दिया है, तो उस जिसने हत्या की है वध कारक जो है उसे कौन सी सजा दी जाए, प्रश्न रखा गया। दुर्योधन को पहला अवसर मिला। दुर्योधन हम जानते हैं लालची लंपट कपटी, बहुत ही बिना सोच विचार वाला व्यक्ति, खड़ा हुआ सभा मंडप में आया, सोचा प्रश्न बहुत ही सरल है, उसने जवाब दे दिया कि जिस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की हत्या की है, उसने हत्या की है तो निश्चित रूप से उसे उसका भी वध कटघरे में खड़ा करो और उसका वध जो है वही उसकी शिक्षा होगी। परंतु युधिष्ठिर जो है उनको यही प्रश्न पूछा गया, उनके सामने यही प्रश्न रखा गया, युधिष्ठिर ने बिल्कुल नहीं कहा टिक फॉर टैक, उस व्यक्ति को दंड इसी तरह का देना चाहिए, बिल्कुल नहीं कहा युधिष्ठिर ने, कहा क्योंकि वो योग्य शिक्षक है जिन्हें अच्छे गुरु प्राप्त हुए हैं। ये व्यक्तित्व विकास की मैं बात कर रहा हूं। युधिष्ठिर जी ने कहा कि पहले मैं सबसे पहले यह जानना चाहूंगा कि वह वध करता कौन है, यदि वह वध करता एक सेवक है, अनपढ़ गवार व्यक्ति है, तो मैं उसे बुलाकर शिक्षित करूंगा, उसे समझाऊंगा और किसी भी प्रकार का उसे मैं दंड नहीं दूंगा। यदि यह वध करता एक वणिक है, व्यापारी है, मर्चेंट है, बिजनेस करता है, उसने यदि यह वध किया है तो मैं उसे बुलाऊंगा, उसे उलाहना दूंगा, उसे समझाऊंगा, थोड़ा बहुत उसे धन का आर्थिक उसे दंड दूंगा और उसे मुक्त। यदि यही कार्य किसी चौकीदार ने, किसी रक्षक ने किया है, रक्षक यदि भक्षक बनता है तो वह बहुत ही बड़ा अपराध कहलाता है। यदि यह कार्य किसी रक्षक ने किया है तो मैं उस रक्षक को आजीवन कारावास का दंड,
परंतु यह कार्य यदि किसी ज्ञानी पुरुष ने किया है, शिक्षित ने किया है, शिक्षक ने किया है, गुरुजनों ने इस तरह का कार्य किया है, तो मैं, युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं उस शिक्षित व्यक्ति को कैसे दूंगा, उसका वध करने का टिट फॉर टैट यहां बात आती है। और यही व्यक्तित्व विकास का एक अनूठा उदाहरण है कि वह तुलना करता है, वे करता है, वजन करता है, सत्य क्या है, किस व्यक्ति ने, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति यदि अपराध करता है तो वह घोर अपराध है। व्यक्तित्व विकास की बात हमारे संस्कृत साहित्य में आप, मैंने उदाहरण दिए कि फिर वो रघुवंशम हो या रामायण हो, महाभारत हो, उपनिषद हो, जातक कथाएं हो, वेद व्यास जी द्वारा रचित वेद हो, पुराण हो, हर जगह पर इसके उदाहरण हमें मिलते हैं। मैं एक अच्छे शिक्षक की बात करता हूं और शिक्षक या गुरुजन की बात करता हूं, तब मुझे याद आते हैं भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर और अच्छा शिक्षक या इस तरह का उदाहरण क्या हो सकता है। भगवान नारायण से बढ़कर और कौन अच्छा शिक्षक हो सकता है। बात आई लक्ष्मी जी और शनि महाराज, दोनों में कुछ वार्तालाप हो रहा था और वार्तालाप जो है थोड़ा आगे बढ़ा और उस वार्तालाप में से डिस्कशन होने लगा। डिस्कशन में से थोड़ा से तूतुने में कहते हैं इस तरह की बात होने लगी और फिर तो बात पराकाष्ठा यहां तक कि लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं आपसे उत्कृष्ट हूं और शनि महाराज ने कहा कि लक्ष्मी जी मैं आपसे उत्कृष्ट, यहां तक पहुंची कि दोनों एक दूसरे की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। हाँ, इतना जरूर उन लोगों ने सोचा कि अब इसका निराकरण करने के लिए हमें भगवान के पास में, शिक्षक के पास में, गुरु के पास में, जज के पास में हमें जाना जरूरी है, आवश्यक है। और दोनों जने राजी होते हैं, ठीक है, नारायण के पास में, भगवान नारायण के पास भी जाते हैं और इसका निराकरण करते हैं कि कौन एक दूसरे से बढ़कर है। भगवान के पास में गए तो भगवान है, हम शिक्षक की बात कर रहे हैं, हम व्यक्तित्व विकास की बात कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे अध्यापक, हमारे गुरुजन, हमारे टीचर्स, हमारे शिक्षक, हमारे बच्चों का, हमारे छात्र का, हमारे विद्यार्थी का निर्माण, योग्य निर्माण कर सकते हैं। भगवान ने दोनों की बात सुनी, भगवान ने कहा भी आप दोनों हैं, श्रेष्ठ हैं, कोई किसी से बढ़े चढ़े की बात नहीं, कोई किसी से उतरता नहीं, कोई किसी से बड़ा नहीं है। पर दोनों ने तो हट ठानी थी कि नहीं, हमें नंबर वन और नंबर टू चाहिए। भगवान ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, पर दोनों की हट को देखने के बाद में भगवान ने कहा ठीक है, ऐसा करिए, आप दोनों मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं यहां पर बैठा हूं, सामने वो दूर वृक्ष है, आप थोड़ी देर के लिए वहां पर जाइए, वहां पर मैं सोचता हूं, आप वापस मेरे पास में आइए, मैं आपके प्रश्न का समाधान, निराकरण करता हूं। दोनों खुश हो गए कि भगवान जो है, आज तो शनि महाराज सोच रहे थे कि यदि भगवान ने लक्ष्मी माता जी का पक्ष दिया तो, और लक्ष्मी माता जी सोच रहे कि शनि महाराज का पक्ष दिया, तो दोनों एक दूसरे के समीकरण के बारे में सोच रहे थे, अपने अपने पक्ष में ही भगवान जजमेंट देंगे, ऐसे ऐसी उनकी सोच थी। पर भगवान तो मैंने कहा ना गुरुजन है, शिक्षक है, उत्कृष्ट उच्च कोटि के शिक्षक हैं। दोनों खुशी खुशी सामने के दूर का जो वृक्ष था वहां पर गए और वापस वहां से लौटकर भगवान के पास में आए और भगवान ने दोनों, और दोनों ने पूछा कही अब हमारा कौन उत्कृष्ट है, कौन नंबर वन, कौन नंबर टू। भगवान ने कहा शनि महाराज आप जब यहां से जा रहे थे तब आप बहुत अच्छे लग रहे थे और लक्ष्मी जी आप जब वहां से, वृक्ष के वहां से आ रहे थे तब आप बहुत अच्छे लग रहे। बात पूरी हो जाती है यहां पे। भगवान ने कहा जजमेंट दिया, किसी को नंबर वन नंबर टू नहीं दिया, उन्होंने कहा शनि महाराज आप जब जाते हैं तब अच्छे लगते हैं और लक्ष्मी मैया आप जब आते हैं तब अच्छे लगते हैं। बात पूरी हो गई। योग्य शिक्षक की बात यही है कि वह अपने छात्र को पहचाने, छात्र निर्माण की बात करनी है, अपने गुजराती में कहिए जे घड़तर नी बात करवानी छे, एनो योग्य निर्माण करिए आपने, जे छात्र जे वो छे, जो विद्यार्थी जैसा है। कई बार क्या होता है, मैं विकास की बात करता हूं, हमारे छात्र जो है तुलना करने लगते हैं पहले ही दिन से,
जैसा बनना है, मुझे उनके जैसा बनना है, मैं यह करना चाहता हूं। मैं आज ही माधव प्रिय दास जी जैसे संत जो है उनकी तुलना में कि मैं ऐसा मैं भाई श्री बनना चाहता हूं, मैं मुरारी बापू बनना चाहता हूं, मैं कुलपति जी के जैसा, प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र जी के जैसा बनना चाहता हूं। छात्र में ऐसी वृत्ति शुरू से आती है जो नहीं आनी चाहिए। हर प्रक्रिया में से देयर आर नो शॉर्टकट्स। व्यक्तित्व विकास की जब बात आती है तो हर प्रक्रिया में से तप कर उनको बाहर निकलने का होता है। आप यदि तपेंगे नहीं, यदि आप गुरुजनों के साथ में बैठेंगे नहीं, उनके साथ में चर्चा नहीं करेंगे, उनके साथ उनका उनका मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक आपके व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है। गुरु ही आपको आपका योग्य स्थान, आप जहां पर पहुंच सकते हैं गुरु को मालूम है। और गुरु हमेशा ऐसे होते हैं कि वह अपने छात्र को अपने से भी ज्यादा ऊपर, उच्च कोटि का उत्कृष्ट, मेरा छात्र बड़ा सबसे योग्य। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, उठो पार्थ गांडीव उठा, भगवान उनके सारथी बने थे। भगवान ने कहीं भी तीर या तलवार या कहीं भी किसी शस्त्र अस्त्र का कहीं उपयोग नहीं, मात्र दिशा इंगित किया था, उठो पार्थ गांडीव। मैं बात करना चाहता हूं, जब हम संस्कृत साहित्य की बात करते हैं तो याद करिए कवि कालिदास की, याद करिए हमारे वाल्मीकि की। कालिदास जी कैसे थे, व्यक्तित्व विकास की बातें, योग्य शिक्षक मिला, योग्य मार्गदर्शन मिला, गुरुजनों का प्रेम, गुरुजनों का आशीर्वाद, गुरुजनों का मार्गदर्शन मिला, तब कालिदास महान कवि कालिदास हुए। वाल्मीकि ऋषि, वालिया में से वाल्मीकि ऋषि बने। कालिदास जी की विद्योत्तमा जी के मार्गदर्शन के बिना, उनकी दीक्षा और उनकी शिक्षा के बिना कालिदास कभी महान कालिदास कवि नहीं बन सकते थे। मैं दूसरा उदाहरण देता हूं आपको, हमारे सामने रावण है, हमारे सामने भगवान राम है, राम भगवान आदर्श है, फिर वो पति के रूप में हो, पुत्र के रूप में हो, राजा के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, आदर्श की बात है। पर आप देखिए, कहते हैं लोग कि रावण बहुत ही बुद्धिशाली था, बहुत ही विद्वान था, भगवान शिव का भक्त था, पर ऐसा शिव का भक्त क्या काम का जिसका खुद का व्यक्तित्व ना हो, जिसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हुआ हो, जिसने अपनी विद्या, जिसने अपनी बुद्धि, जिसने अपनी इंटेलिजेंसी को विपरीत दिशा में, ऐसा घमंडी रावण। अब उसमें विद्या हो तो क्या काम की, विद्या तो विद्या से तो विनय आती है, विद्या ददाति विनय, पर विनय उसके पास में कहां था, उसके तो पैर ही जमीन पर नहीं टिकते हैं। मैं बात कर रहा हूं योग्य शिक्षक की, मैं बात कर रहा हूं योग्य छात्र की, योग्य नागरिक निर्माण। हमारे केंद्र में हमारा छात्र, हमारा विद्यार्थी और हमारे शिक्षक जो हैं, वही उन्हें ये फिर किसी भी प्रकार का शिस्त हमें कार्य करना है। मैं बार बार बात करता हूं और स्पेशली छात्र को कहता हूं, कठोर परिश्रम के बिना, कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। आप कुछ भी करिए, आपको तपना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी है, मेहनत करनी पड़ेगी। आपके व्यक्तित्व का यदि विकास करना है तो संस्कृत साहित्य के अंदर पूरा भंडार भरा हुआ है, पूरा भंडार है, ज्ञान का भंडार है। हमारे काम की चीजें हैं, हमारे व्यक्तित्व के लिए हमें जो चीजें चाहिए, हमारे गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त करके ही हम आगे पढ़ सकते हैं। संस्कृत साहित्य में आज की यदि बात करें, हम मॉडर्न एज की भी बात करें, तो आप जरासंध जैसा महाकाव्य आज लिखा है, वो स्वामी हरिराय जी ने लिखा है, और उसको यदि पढ़ें, वही हमारी महाभारत, रामायण, भागवत जी, पुराण की बातें, वो सब इन इनमें महानायक की बात होती है। मैंने पहले ही कहा था, ये कवि कौन है, भगवान को जो कुछ कहना हो, गॉड स्पीक्स गॉस्पेल, भगवान की वाणी। और इन सभी, भले फिर वो महाकाव्य हो या एक छोटा सा नाटक हो,
पर हर संस्कृत साहित्य की कृति में कहीं ना कहीं व्यक्ति को सीखने के लिए, मैंने कई बार कहा है कि हमारे परम पूज्य केका शास्त्री जी श्री जिन्हें प्राप्त हुआ है, गुरुओं की गुरु, टीचर्स टीचर, 100 वर्ष की उम्र में भी केका शास्त्री जी हमेशा कहते थे मैं छात्र हूं, मैं विद्यार्थी, मैं सीख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं आप लोगों से, मैं समाज से, सबसे, हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीख। ये व्यक्तित्व विकास की नींव है, बेसिक है। सबसे पहली बात मुझे सीखना है वाचक के थ्रू, मुझे दृढ़ संकल्प करके। आज के कुंजी पढ़ दी, की टू सक्सेस पढ़ दिया, गाइड पढ़ दी और परीक्षा दे दी, ये परीक्षाएं तो बहुत होती है। व्यक्तित्व विकास की जहां बात आती है, आप ऐसा व्यक्तित्व बनाइए कि हर रोज आप परीक्षा दे सकें, हर रोज उस परीक्षा में आप पास। मैं बार बार कहता हूं कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। परम पूज्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं निशान चूक माफ नहीं निशान। अब हम क्या करते हैं कि ठीक है मैं ये कर लूंगा, मुझे पुस्तक पढ़ने, ठीक है पास हो जाऊंगा। इससे व्यक्तित्व विकास नहीं है। हमें क्या करना है, सपोज टू डू, अपना टारगेट सेट करना पड़े। वो निशान हमेशा ऊपर होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, कहीं थोड़ा इधर उधर हो सकता है, चूक हो सकती है, 100% नहीं आए, 99% आए कोई बात नहीं, पर हमें मेहनत करनी है, हमें कठोर परिश्रम करना है और यही आपके व्यक्तित्व विकास की आधारशिला। लड़ाओं से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कोशिश शब्द अपनी डिक्शनरी में से निकाल दीजिए, हमें कोशिश नहीं करनी है। सेट द टारगेट, अचीव इट, आपको प्राप्त होगा, कठोर परिश्रम से आपको प्राप्त होगा। हम ऐसे ही बैठे हैं और स्वप्न देखते हैं, ऐसे नहीं चलते। स्वप्न को पूरा करने के लिए मेहनत करनी है, कठोर परिश्रम करना है, दृढ़ संकल्प की जरूरत है और हमारे संतों का आशीर्वाद, हमारे गुरुजनों का मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा, तो ही व्यक्तित्व विकास आपका हो सकेगा। और आप जो सोचें, जो टारगेट आप लें, उसको आप प्राप्त कर सकेंगे। मैं पुनः अपनी बात पूर्णता की ले जा रहा हूं और कह रहा हूं कि हमारे गुरुजन हमारे छात्रों का निर्माण इस तरह से करें कि उत्तम परिवार हो, उत्तम परिवार के द्वारा उत्तम समाज हो और राष्ट्र निर्माण की जो हमारी संकल्पना है वह पूर्ण हो। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग हैं। हमारा यह छात्र जो अपने व्यक्तित्व का विकास करके राष्ट्र निर्माण की कल्पना करे, आत्मनिर्भर बने। यह आत्मनिर्भर मात्र किसी नौकरी को प्राप्त करना ही नहीं है। मेरा दृढ़ संकल्प, मेरा कर्तव्य, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू, कि भाई मैं टीचर के रूप में कार्य कर रहा हूं, मुझे पैसे मिल रहे हैं, पर यदि मैं इस समय के आगे और पीछे यदि कुछ कार्य करता हूं तो वह समर्पित भाव और यही समर्पित सब में है होगा आपके व्यक्तित्व विकास से, तो ही राष्ट्र निर्माण की हम बात कर सकते हैं। मैं पुनः परम पूज्य स्वामी जी माधवप्रिय दास जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार वंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं माननीय कुलपति जी का, आदरणीय प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र जी का, आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय कुल सचिव जी का कि जिन्होंने मुझे यह मंच प्रदान किया और मेरी बात रखने का मुझे अवसर प्रदान किया गया। समय की मर्यादा को देखकर मैंने काफी चीजें जो है जल्दी से बोली और मेरी बातों को मैंने थोड़े में कहा, पर मेरा एक ही बच्चों के लिए जो इंगित करना चाहता हूं, कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। आपके व्यक्तित्व विकास के लिए संस्कृत साहित्य में अपार भंडार पड़ा हुआ है, समुद्र है, दरियो छे, आप इन्हें आपने खेड़ान करिए, अने जो आगे वधवू छे
आगळ वधवानी नेम छे तो आपणे आगळ वधी शकीए छे। आप सबको मेरा जय सोमनाथ, जय महाकालेश्वर। नमस्कार जी। पंकज जैनी सर का मुझे लगता है कि वीडियो कनेक्शन अब हो नहीं रहा, कनेक्टिविटी। मैं जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है रावल सर? सुनाई दे रहा है, उनका वीडियो भी प्राप्त हुआ, पूरा प्रवचन भी सुनने को सबको मिला है जी। नमस्कार। अब मैं उनका धन्यवाद करते हुए, पंकज जानी सर का धन्यवाद करते हुए, मैं अब आज के सारस्वत वक्ता के रूप में जो उपस्थित है परम पूज्य माधव प्रियदास स्वामी जी को प्रणाम करके, उनके चरणों में वंदन करके, उनको सारस्वत प्रवचन के लिए मैं निमंत्रित करता हूँ। परम पूज्य माधव प्रियदास जी स्वामी, मैं आपको सश्रद्धेय आपको आमंत्रित करता हूं जी। माधव प्रिय दास जी परम पूज्य। हेलो। हाँ, आज बड़ा ही आनंद हो रहा है। हमारे शास्त्रों में दूरदर्शन और दूरश्रवण की बात बहुत सुनी थी। आज मुझे दोनों का लाभ मिल रहा है। आप सभी का दर्शन हो रहा है और आप सभी की अमृतवाणी को सुनने का अवसर भी मिल रहा है, और मेरे संस्कृत परिसर में यह हो रहा है, ये इसका मुझे आनंद, भगवान सोमनाथ के सानिध्य में हो रहा है। और आज तो महाकालेश्वर और सोमनाथ दोनों साथ बैठे हैं, तो मैं सर्वप्रथम गोपाल जिनको बहुत प्रिय है, ऐसे हमारे कुलपति गोप बंधु जी को प्रणाम करता हूँ। पंकज भाई, आपने तो महाकालेश्वर के सानिध्य में, जहाँ महाराज विक्रम और कवि कुलगुरु कालिदास और बोध जैसे महान कवि हुए हैं, उस स्थान की आपने शोभा बढ़ाई है, आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे जाधव जी, ललित जी और नरेंद्र जी, पूज्य रामप्रिय गुरु जी और मेरा प्यारा पंकज। पंकज जब बात करता था तो मैं ऐसा समझता था कि इस बोझ से कहीं दब न जाओ, इतना बड़ा अच्छा। मैं उनको तुकार से नहीं बोला ना चाहिए, लेकिन बहुत प्रिय है। तो आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। पंकज जी, जरा समय मर्यादा तो मुझे नहीं दी गई है, तो अपना पूर्ण समय आप पूर्ण स्वीकार दो समय। पहले तो क्षमा याचना करनी है मुझे ये पता नहीं था कि मेरे आने के बाद ये सत्र शुरू होगा। मैं 5 बजे की प्रतीक्षा में था, तो खास करके पंकज जी मुझे क्षमा करे कि आपका प्रवचन संक्षिप्त करना पड़ा। रही बात व्यक्तित्व विकास की, पहले तो आज चारों ओर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स चल रहे हैं। कई यूनिवर्सिटियां ये कोर्स चला रही हैं, व्यक्तित्व विकास की बात हो रही है। तो हमें समझना चाहिए कि हमारे विकास की दिशा क्या है, हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है,
और दूसरी बात यह है कि हम विकास क्यों चाहते हैं, क्यों? प्यारे पूज्यगण और सभी प्रिय छात्रगण, वैसे आदरणीय पंकज भाई ने कहा कि व्यक्ति एक मानव है और बहुत सही कहा है। विकास की दृष्टि परमात्मा ने मानव को ही दी है, पशु पंखियों को नहीं दी है। इसलिए तो हमारे शास्त्रों ने इस मनुष्य जीवन को दुर्लभ और श्रेष्ठ कहा है। हमें हमारा मनुष्य होने का गौरव होना चाहिए। बात यह है, गौरव के बजाय गर्व हो रहा है ना, ये तकलीफ है डेवलपमेंट में। गौरव होना चाहिए। जैसे महाराज जनक, अष्टावक्र जी जब उनसे मिलते हैं, बोध देते हैं, तो जनक कहते हैं, अहो नमो मह्यम, अहो अहम, मैं भाग्यशाली हूँ, अहो भागी हूँ, मैं मुझे प्रणाम करता हूँ। तो ये मनुष्य जीवन का हमारा गौरव है। देखिए, आज मनुष्य ने जितनी तरक्की की है, सृष्टि का जब सृजन हुआ तब भगवान ने तो सारी सृष्टि बनाई, पशु पंखी पेड़ पौधे पहाड़ झरने सरिताए सरोवर सागर सब कुछ बनाया, लेकिन मनुष्य ने ही क्यों प्रगति की, उसने ही क्यों विकास? पहले तो हम विकास जो जो इस समय चल रहा है इसी दृष्टि से बात कर रहे हैं। हाथी ने कभी आलीशान राजमहल नहीं बांधे, पंखी घोंसले बनाते हैं, लेकिन मनुष्य जैसा घर बनाना पंखियों को नहीं आता है। लायंस सिंह पहले भी कच्चा खाते थे, आज भी कच्चा ही खाते हैं, उसको पता नहीं है व्हाट्स फायर, अग्नि क्या है, और उसको पता नहीं है। और मनुष्य ने कितनी प्रगति की, देखिए आप। जैसा कि हमारे इतिहासकार जो भी हमें सुनाते हैं, अच्छा बुरा सही खोटा, प्रागैतिहासिक काल था, मनुष्य गुफा में रहता था, फिर उसने पर्णकुटी बनाई, फिर मड हाउस बनाया, फिर पत्थरों का मकान बनाया, और आज देखिए वातानुकूलित भवन बनाए हैं। हाथियों ने ऐसा नहीं किया। फिर मनुष्य जब गुफा में रहता था तो बहुत बड़ा सुंदर, अति सुंदर बर्थडे सूट पहनता था। अब ये गोष्ठी पूरी हो जाए उसके बाद सोचना बर्थडे सूट कैसा होता है। तो बर्थडे सूट पहनता था, फिर पर्ण पहनने लगा, और आज क्लोजेट में कपड़े पारावार भरे हैं। कच्चा खाता था, आज कितना बड़ा मेनू, पैदल चलता था, आज सैटेलाइट और जुपिटर मार्स मून पर पहुंच चुका है। ये सारी प्रगति मानव जात ने की है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वास्तविक प्रगति है? क्योंकि जब हम देखते हैं मानव जात की ओर, तो पहले तो जब भूख लगती थी तभी वो शिकार करता था, और आज 7 पीढ़ी तक किसी को भूख न लगे, इतनी संपत्ति प्राप्त हो गई है, फिर भी भीतर का शिकारी वैसा ही है और ज्यादा शिकार करता है। क्या ये प्रोग्रेस है?
देखिए प्रगति की हम मना नहीं कर सकते हैं, प्रगति हुई है, लेकिन भीतर के स्तर पर जो प्रगति होनी चाहिए वो आज नहीं हुई। सिर्फ हमारी प्रगति बाह्य स्तर पर है, अच्छी है, प्रशंसनीय है, लेकिन है बाह्य स्तर पर। मैं आपसे क्या कहूं, जीवन बहुआयामी है, लेकिन शास्त्र जीवन को बहुआयामी भी नहीं कहते। शास्त्र जीवन को अनंत आयामी कहते हैं। विश्वतो चक्षु ऋत विश्वतो पात, ये अनंत आयाम है। साइंस फोर्थ डायमेंशन की बात करता है, हमारे शास्त्र इन्फिनिट आयाम की बात करता है। तो हमारा लक्ष्य इन्फिनिट आयाम की ओर जाने का है, ये हमारा विकास है। विकास तो हमारा स्वभाव है, विकास हमारा जीवन, बिना विकास नहीं रह सकते हैं। अपने एक दबी हुई स्प्रिंग आप देखिए, दबी हुई स्प्रिंग हर क्षण प्रयास करती है अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, और जब तक अपना मूल स्वरूप प्राप्त नहीं हो जाता तब तक स्प्रिंग का प्रयास होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। तो जब तक हम हमारे मूल स्वभाव को नहीं जानेंगे और जानने के बाद नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक हमारी विकास की जो गति है वो रुकेगी नहीं, होती रहेगी। और अंतिम अंतिम विकास की चरम सीमा, अंतिम सीमा क्या है? सह ब्रह्मणा विपश्चिता, वो जो सर्वव्यापी तत्व है उनकी हमें भेंट नहीं हो जाती, तब तक हमारा विकास, चाहे जितना भी विकास हो, वो अधूरा ही रहेगा, अधूरा ही रहेगा। तो देखिए हमारे शास्त्रों ने विकास की सही दिशा और विकास का सही स्वरूप बताया है कि विकास कैसा होना चाहिए, विकास का लक्ष्य क्या है। आप सिर्फ भौतिक सीमा में ही अटक जाए, ये विकास अपरिपक्व विकास है, अपूर्ण विकास है। मेरे ख्याल से आप सभी ने, आप सभी तो जानते हैं, कई प्रकार के संप्रदाय होते हैं, धर्म होते हैं। हम तो पूरे विश्व में दो ही पंथ मानते हैं, दो ही पंथ है, एक वैरोचिनी पंथ है, एक ऐन्द्रिय पथ है जो इंद्र से प्रवर्तित है, और एक विरोचन से। उपनिषद की कथा आप जानते हैं, विरोचन की यात्रा देह तक सीमित हो गई और इंद्र की आत्मा ब्रह्म तत्व तक उसने यात्रा गति की। तो जितनी साइंस टेक्नोलॉजी, गजब की टेक्नोलॉजी, देखिए आप कहाँ बैठे हैं, मैं कहाँ बैठा हूं, फिर भी आप सभी का दर्शन हो रहा है, आप सभी मेरी बात सुन रहे, आपकी बात मैं ही सुन रहा हूं, ये प्रशंसनीय है। तो आज तो साइंस टेक्नोलॉजी, जिसको हम आज की भाषा में विकास कहते हैं,
तो इतना प्राप्त करने पर भी मानव मन अशांत क्यों है, उसको तृप्ति क्यों नहीं है, वो इतना स्वार्थी क्यों है? क्योंकि एक तो स्पष्ट है कि विकास की दिशा शिक्षा निश्चित करती है, शिक्षा से ही सही विकास और विकास को कैसे प्राप्त किया जाए ये सही शिक्षा से होता है। और हमारे संस्कृत साहित्य जो है, शास्त्र है, हमें सही शिक्षा देता है। वो शिक्षा आज की वैरोचनी विद्या नहीं दे पा रही, क्योंकि दोनों का केंद्र बिंदु अलग है। हमारी जो संस्कृत शास्त्रों की शिक्षा है, हमारे ऋषि मुनियों को पता है, आप तो ज्ञानी जन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि शिक्षा शब्द शक्रु धातु से बना है। आज का विज्ञान प्रोबेबिलिटी कहता है, हमारे शास्त्र पोटेंशियलिटी की बात करता है। नॉट ओनली प्रोबेबिलिटी, पोटेंशियलिटी इज देयर। अनंत शक्ति से हमारा चैतन्य भरा हुआ है, अनंत शक्यताओं से नहीं, अनंत शक्तियों से। जैसे पंकज भाई ने कहा, सिर्फ आशा नहीं, हमें दृढ़ प्रयास करना है उसको प्राप्त करने के लिए। और हमारी शास्त्रों की शिक्षा क्या करती है? दो चीज करती है, दोषापनयन और गुणाधान। है ये दो चीज हमारे संस्कृत शास्त्र करते हैं। जैसे सोना है तो उसमें कुछ मिश्रण है, तो पहले दोषापनयन होगा, फिर उनसे अलंकार बनेंगे, तो एक गुणाधान होगा। जहां सही दृष्टि से दोषापनयन और गुणाधान हो सके, वो शिक्षा सही शिक्षा होगी, उसी शिक्षा से हम सही विकास को प्राप्त करेंगे। लेकिन वैरोचनी विद्या मीन्स भौतिकी विद्या, वो दो दो खंभों पर खड़ी है। प्यारे पूज्यगण, प्यारे छात्रगण, दो खंभों पर, अर्थ और काम। देखिए, शिक्षा का, शिक्षा की नींव ही यदि गलत है तो आप सही विकास कैसे प्राप्त करेंगे? और चारों ओर आज आप देखिए, इस देह को कैसे सुखी रखे, देह के लिए कितनी साधन संपन्न, हम कितने साधन संपन्न जुटा सके। दुख की बात तो यह है कि सिर्फ अपने देह के सुख की बात की होती तब तक तो ठीक था, आज इस जो भौतिक विद्या है उसमें तीन धारा का विकास हुआ है। एक, मैं सुखी हूं, तो सुख की कामना तो सबको है, इससे कुछ नहीं है, हम सब सुख चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहते। लेकिन वैरोचनी विद्या का ये प्रभाव है कि मैं सुखी हूं इतना नहीं, मैं ही सुखी हूं, ये ही कार जो आ गया है ना, वो गजब का, मैं ही सुखी हूं, दूसरों का जो होना है हो। देखिए, परिवार से लेकर के राष्ट्र तक क्या चल रहा है, घर में पति और पत्नी दोनों को है, मैं ही सुखी हूं, मेरा पति का जो कुछ भी हो, पति को है, मैं ही सुखी हूं उसका जो भी हो, सिर्फ वैरोचनी
विद्या का प्रभाव है। हमारी जो पाक शासनी परंपरा है, इंद्र की जो परंपरा है, वो चार खंभों पर खड़ी है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये शिक्षा यदि सही नहीं होगी तो विकास की दिशा भटक जाएगी। तो हमारे शास्त्र हमें चार पुरुषार्थ की नींव पर शिक्षा देते हैं। अर्थ और काम आवश्यक है, उसकी हम मना नहीं कर सकते। अच्छा मकान चाहिए, अच्छी कार चाहिए, लॉकडाउन है फिर भी कुछ खाना पीना शाक भाजी मिल जानी चाहिए, तो रोटी कपड़ा मकान आवश्यक है। लेकिन नींव धर्म की है और लक्ष्य मुक्ति का है। जब तक हम शिक्षा में इन चार का प्रतिपादन नहीं करेंगे, तब तक हमारी शिक्षा की जो, हमारे विकास की जो गति है वो भ्रांत रहेगी। तो हम चाहिए कि सही विकास के लिए सही शिक्षा हो। हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे शास्त्र हमें सही शिक्षा देते हैं। देखिए, विकास की यात्रा के लिए हमारी प्रार्थना कितनी प्रसिद्ध है, तमसो मा ज्योतिर्गमय। ये विकास की यात्रा है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर मा अमृतम गमय। एक एक शिक्षा हमें मरण धर्म बनाती है और एक शिक्षा हमें अमरता की ओर ले जाती है। तो हमारा विकास अमरता की ओर होना चाहिए, मृत्यु की ओर नहीं, ज्योतिर की ओर होना चाहिए। तमस, तमस का मतलब है कि बस मैं, ये तमस है, वो नहीं। ज्ञान का, ज्ञान की ओर हमारी विकास की यात्रा होनी चाहिए। जो असत है, नाशवंत है, उसका उपयोग साधन की रूप से कर लो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मृग जल है, घर मृग जल है, स्त्री मृग जल है छोड़ दो, पति मृग जल है छोड़ दो, ऐसा नहीं। जो है वो उसको ठीक से निभाओ, सही ढंग से उसका उपयोग करो। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, तो शरीर को नष्ट नहीं कर देना है, धर्म का साधन मान करके उसका उपयोग करना है। ये असत से, लेकिन वहां रुकना नहीं है, वहीं से आगे जाना है सत तत्व की ओर, और मृत्यु से हमें अमृत की ओर गति करना है। तो ये हमारे विकास के लक्ष्य है। देखिए, हम चाहे जितना विकास करेंगे लेकिन असंतोष, अशांति, ये सब बनी ही रहेगी, अतृप्ति बनी ही रहेगी। हमारे उपनिषदों ने बहुत सुंदर बात की है, यो वै भूमा तत् सुखम, यद अल्पम तन्मर्त्यम। जो भूमा है, जब तक हम भूमा को प्राप्त नहीं करते हैं, अनंत को प्राप्त नहीं करते हैं, सर्वव्यापी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तब तक हमें क्षणिक सुख मिलेगा, क्षणिक तृप्ति मिलेगी, क्षणिक संतोष मिलेगा। यद अल्पम तन मर्त्यम, बहुत अच्छी कहानी है, आप तो जानते हैं, फिर भी मैं शास्त्र के दृष्टि से कुछ कहना है इसलिए थोड़ी बात कर रहा हूं। भगवान नारद जी सनत कुमार के पास गए हैं, दोनों महान हैं, दोनों परम सिद्धियों के स्वामी हैं, लेकिन नारद जी में कुछ कमी है। उसको लगता है कि मेरा विकास हुआ है उससे कुछ ज्यादा,
और सनत कुमार तो सनत कुमार, उसको उनके शरीरों को काल भी कुछ नहीं कर सकता है। तो नारद जी सनत कुमार के पास बड़े प्रेम से विनम्रता से गए हैं और हाथ जोड़ के कहा, हे भगवान अधि ही भगवा, वेद की भाषा है तो भगवान नहीं कहा, भगवा कहा, अधि ही भगवा। सनत कुमार ने कहा कि ठीक है, हम आपको विद्याभ्यास कराएंगे, लेकिन पहले आप क्या पढ़े हैं तो बताओ, तो मुझे पता चले कि किस विद्या की आपको जरूरत है। भूम विद्या को मैं आज के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं, इसलिए आपके सामने रख रहा हूं। अब जो नारद जी जो पढ़े हैं वो गिनाते और बड़े प्रेम से गिनाते हैं, ऋग्वेदम भगवोध्येमी, यजुर्वेदम, सामवेदम, अथर्वणम, चतुर्थः, इतिहास पुराणम, पंचमम, वेदानां वेदम, पित्र्यम, राशिम, दैवम, निधिम, वाको वाक्यम, एकायनम, देव विद्याम, ब्रह्म विद्याम, भूत विद्याम, नक्षत्र विद्याम, क्षत्र विद्याम, सर्प देव जन विद्याम, केटली विद्या हो पंकज भाई, अपनी यूनिवर्सिटी आके हम आ जाए एटली विद्याओ आमा नारद जी भणी गया छे, तोय संतोष नथी थयो एने। અને આજની આ વિદ્યા શાખાઓની સાથે આપણે આને તુલના કરીએ, ચાર વેદ ભણી ગયા છે, પ્રશ્ન એ ઉઠતા હે, ચાર વેદ, પાંચમો વેદ, પંચમ વેદ, ઇતિહાસ, મહાભારત ઓર પુરાણ, ઇનકો પઢે હે, ઇનકી કથા કરતે હે, ફિર ભી નારદજી કો સંતોષ નહીં હે। આગે सनत कुमारों ने कहा है, नाम मात्र में वर्तत, आप शब्द को चबाते हैं, शब्द के अर्थ तक नहीं पहुंचे है नारद जी, तो ये तो हम कथाओं के लिए बहुत बड़ा आघात हो गया। आप जितनी कथाओं करो, जितना पांडित्य बेचो बांटो, कुछ नहीं होगा। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, चारों वेद है, वेदांग की बात है, सारी विद्या पढ़ लिए, सिर्फ वैदिक शास्त्र वेद ही नहीं पढ़े है। अब देखिए पितृशास्त्र, इसमें सिर्फ श्राद्ध लिखा है व्याख्याओं में, पर मैं समझता हूँ पितरियों की गति क्या है, पितृ तत्व का उनको साक्षात्कार है। राशिम गणित, और आप ये जानते हैं कि भारत का गणित सर्वश्रेष्ठ गणित रहा है, शून्य की शोध भारत ने की है, आज का पूरा साइंस गणित पे चलता है। तो नारद जी ने केवल वेद ही नहीं पढ़ा है, गणित भी पढ़ा है। और दैवम, विविध उत्पत्तियां उत्पात होते हैं, देखिए सिर्फ शब्द से नहीं, दैवी उत्पात। अमेरिका में जाएंगे तो आप देखेंगे समुद्र में तूफान कब होने वाला है, बवंडर कब उठने वाला है, तो पहले से जागृत हो जाते हैं, ये देव है। सिर्फ ये नहीं कि बस हम उत्पात आया और उत्पात को जान लिया, कुदरती आपत्ति की उनका सर्जन कैसे होगा और उसका निवारण कैसे होगा, ये दैव शास्त्र है। निधि, बड़ी मजे की बात है, निधि आज हमारे सैटेलाइट्स जमीन में कहां जल है, कहां धातु है, कौन सी धातु है, वो पूरे सैटेलाइट से जान लेते हैं। नारद जी को वो भी पता है कि जमीन में क्या है, हीरा माणिक मोती कहां है, काश थोड़ा हमें बता देते तो हमें तो थोड़ा आनंद आ जाता वहां जाकर के। मैंने नेशनल जियोग्राफी का नहीं सफारी में पढ़ा, एक पूरा ग्रह डायमंड का है, पूरा ग्रह, ज्यादा हो क्या मेरे सामने देख रहे हैं, हजारों यूनिवर्सिटी हो जाएगी यदि वो डायमंड इधर आ जाएगा तो। दशरथ जी सुनते हैं ना मेरे
तो निधिम, आगे चलिए तो वाको वाक्यम। वाको वाक्य का सीधा अर्थ करना है ना तो वकीला खिलो पंकज भाई। वकीला वाको वाक्यम तर्क शास्त्रम। कुलपति जी हमारे नारद जी बहुत अच्छा तर्क शास्त्र जानते थे और एकायनम नीति शास्त्र भी जानते थे और देव विद्या मीन्स देवताओं को कैसे आप सिद्ध कर सकते हैं ये विज्ञान भी जानते हैं। ब्रह्म विद्या मीन्स अंग उपांग सहित वेदों को भी जानते थे। भूत विद्या, यहाँ भाष्य में तो ऐसा ही लिखा है कि भूतों को कैसे वशीकरण किया जाए, लेकिन मैं ये समझता हूँ भूत विद्या, जैसे मैं बनारस पढ़ता था तो गोपीनाथ कविराज थे और स्वामी विशुद्धानंद जी थे, पंचभूतों के पंचभूतों पर उनका आधिपत्य था। और जो मृत्यु जिसको जिसका मरण हो गया उसको सजीवन कर सकते। हमारे कई योगी अचानक हाथ में सारे अकल्पित पदार्थ पैदा कर सकते, ये भूत विद्या है। मीन्स पांचों भूतों पर कैसे नियंत्रण पाया जाए। देखिए क्षत्र विद्या, पूरा धनुर्वेद नारद जी पढ़े है, सिर्फ वीणा नहीं बजाते हैं, धनुर्वेद भी पढ़े हैं। आज के सारे अस्त्र शस्त्र जो हम देखते हैं ना वो पूरा धनुर्वेद में है, नारद जी को उसका ज्ञान था। फिर जन विद्या, समाज शास्त्र और आयुर्वेद शास्त्र, पूरा वैद्यकीय ज्ञान उसको था। फिर नक्षत्र विद्या, देव विद्या, देव विद्या गंधर्व मीन्स गान नर्तन ये सब उनको आता था, गान में तो नारद जी माहिर थे। सर्प विद्या, विष मारण के मंत्र वो जानते थे। आश्चर्य होता है कि एक व्यक्ति ने कितनी शाखाओं का अध्ययन किया है, कितनी शाखाओं। हमें तो एक डिग्री मिलते हैं तो हम फुलाने लगते हैं, एक डिग्री मिलते हैं तो अच्छा हमें ये डिग्री मिला ये डिग्री। नारद जी को कितना ज्ञान है प्यारे। नारद जी ने जो कहा है प्रभु ये सारा ज्ञान है मुझे, मुझे असंतोष इस बात का है कि मुझे नाहम आत्मविद अहम तु मंत्रविद अस्मि, मंत्रों के मर्म को जानता हूं लेकिन मैं आत्मविद नहीं बना हूं, तो आप मुझे वो आत्मविद्या दीजिए। फिर हमारे सनत कुमारों ने उनको भूम विद्या का उपदेश दिया। ये सारी विद्याएं खंड 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 है, अखंड नहीं है, नाशवंत है, अविनाशी नहीं है, भूमा नहीं है, भूमा का एक भाग है। तो हे नारद आप भूम विद्या को प्राप्त करो। सनत कुमारों ने भूम विद्या यो वे भूमा ये विद्या उनको दी है। तो हमें सोचना चाहिए क्या हम शास्त्रों के माध्यम से छात्रों को या हम स्वयं को भूमा बना सकते हैं। जब तक हम भूमा नहीं होंगे तब तक विकास अधूरा ही रह जाएगा। और भूमा बनने के उपाय भी हमारे शास्त्रों ने बताए हैं। मैं सिर्फ छात्रों के लिए कहूंगा कि एक बिना सदगुरु की सहायता हम भूमा नहीं बन सकते। सही मार्गदर्शक तो होना चाहिए, हमें सिर्फ शिक्षकों की जरूरत नहीं है, हमें गुरुओं की जरूरत है जो इस पथ पर चले हैं, इस पथ का उनको 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 मालूम है कि ये पथ क्या है। तो एक ऐसे सदगुरु की प्राप्ति। दूसरी
हमारे वेदों ने हमें कहा है, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, हम हमारे आंखों से कल्याण को देखे, कानों से कल्याण को सुने। भगवान स्वामी नारायण ने इसको वचनामृत में ऐसे किया है कि यदि हमें सही विकास करना है तो गुण ग्राहक दृष्टि रखनी होगी। हम यदि भगवान दत्तात्रेय की तरह 24 गुरु बनाए, छोटी सी छोटी वस्तु से उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया, अरे वैश्या को गुरु बनाई, देखिए भगवान दत्तात्रेय की दृष्टि इस महिला को, इस वैश्या को अपने अपने प्रिय जो जो कोई भी है उसके प्रति जितना लगाव है उतना लगाव मुझे मेरे इष्ट के प्रति कब हो, ये वैश्या से शिक्षा पाई, सर्प से शिक्षा पाई, अजगर से शिक्षा पाई। जिसको भीतर से जिज्ञासा जग जाती है उसके लिए विकास की सारी क्षितिजें खुल जाती है, ये दत्तात्रेय भगवान हमें सिखाते। लेकिन हमारा स्वभाव कैसा है मालूम है? एक सूफी संत के पास एक युवान गया, वो एक डायरी रखता था और डायरी में वो हर जगह भटकता रहता था, और जो कोई बड़ा महापुरुष है सुनने में आता था वहां जाता था और डायरी में उनको दो दुर्गुण लिखता था। तो उनकी इच्छा थी कि मैं डायरी में 100 दुर्गुण का कलेक्शन करूं, तो हर जगह दो दुर्गुण दो दुर्गुण दो दुर्गुण। सूफी संत ने कहा, क्यों आए हो? बस ये मेरी हॉबी है, सभी के पास जाता हूं, दो दुर्गुण लिखता हूं, आपके पास आया हूं, 98 हो गया है, दो बाकी है। संत ने कहा, पागल, इतने दिन भटके और इतने 49 आदमियों के पास आप गया, इतनी मेहनत की, मूर्ख तुम्हें पहले से मेरे पास आना चाहिए, तो 100 तो मेरे में ही है, दो नहीं 100। कितनी हिम्मत होगी हो सूफी संत की। और दूसरी बात ये कही, पगला, ये दो दुर्गुण लिखा, इसकी बजाय 100 सदगुण लिखा होता तो तेरी डायरी में से सुगंध उठती, ये तेरी डायरी में से दुर्गंध उठ रही। तो गुण ग्राहकता है, भगवान स्वामी नारायण ने वचनामृत में गुण ग्राहकता के प्रति बहुत बड़ा जोर दिया है। तो गुण ग्राहक होना चाहिए, क्षणशः कणशश्चैव, जैसे एक एक क्षण का सदुपयोग करना है, एक एक कण को इकट्ठा करना है, वैसे छात्रों को क्षण का सदुपयोग कर लेना चाहिए। अंतिम बात, मैं भागवत जी की दृष्टि से विकास की सीढ़ी भागवत जी में क्या है वो आपको आपके सामने प्रस्तुत करके मैं उपसंहार की ओर जाऊंगा। आप जानते हैं महाराज जनक और योगेश्वरों का जो संवाद है, उसमें हरि नामक योगेश्वर ने 3 स्टेप्स विकास के, 3 पगथिया। पहला, जो सिर्फ सिर्फ मूर्ति की ही पूजा करता है, सिर्फ मूर्ति की पूजा करता है और चारों ओर जो भगवान विराजमान है उसको नहीं देखता है, वो प्राकृत भक्त है। देखिए धर्म जगत में आज कितनी विषमताएं हैं, क्योंकि वो पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, मंदिर जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन भीतर विकसित नहीं हुआ। और मध्यम भाग जो है यात्रा का, हरि कहते हैं जनक, जो सज्जन है
जो संत है वो विश्व से चार प्रकार से व्यवहार करता है, मुदिता, मैत्री, करुणा, उपेक्षा, परम तत्व के साथ प्रेम है, समान के साथ सुहृद भाव है, जो पीछे चले आ रहे हैं उनके प्रति करुणा है, उसको आगे लेना चाहते हैं, और जो द्वेष करते हैं उसके लिए वो उपेक्षा कर देते हैं। प्यारे मित्रों, हम सिर्फ मानव की ही चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति तो एक व्यष्टि है, समष्टि का अंग है। हमें पूरे सृष्टि के साथ हमारी बिहेवियर यदि ठीक नहीं है तो विकास कैसा। हमें पशुओं के प्रति, पंखियों के प्रति, वृक्षों के प्रति, पौधों के प्रति, सबके प्रति सुहृद भाव होना चाहिए। सबके प्रति हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, लेकिन अब जो पंखी और अब जो पशु कटते हैं, क्यों कोरोना आता है? अच्छा नहीं है, लेकिन मानव जात जो पाप कर रही है अपने क्षुद्र पेट भरने के लिए, तो उसका रिवेंज तो होगा ही। तो कुदरत के साथ, समष्टि के साथ हमारी बिहेवियर शुभ होनी चाहिए, कल्याणकारी होनी चाहिए। अंतिम बात तो हम बड़े महापुरुषों के लिए छोड़ देते हैं, जिसको भगवान सिवाय, ब्रह्म सिवाय, परब्रह्म सिवाय कुछ भी नहीं दिखता है। तो कम से कम प्राकृत तो मिटे, मैत्री, मुदिता, करुणा और उपेक्षा से तो हम जगत के साथ व्यवहार करें। यदि हम इस तरह से हमारे शास्त्रों में से विकास का सही रूप जानेंगे, सही दिशा जानेंगे, तो जो हमारा विकास होगा ये भौतिक स्तर से ऊपर उठ करके आत्मिक स्तर पे विकास होगा, आत्मिक स्तर से भी ऊपर उठ करके नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम विदधाति कामान, जो अनंत चेतन में जो परम चेतन है, अनंत नित्य में जो परम नित्य है, जो सभी का मनोरथ पूरा करने वाला है, उस परब्रह्म के साथ सहब्रह्मणा विपश्चिता हमारी विकास की यात्रा वहां पूर्ण होगी। इतने समय तक आप सभी ने करुणा करके मुझे सुना, इसलिए आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और मेरी बातों को यहाँ पूर्ण करता हूँ। अस्तु, धन्यवाद। नमो नमः। परम पूज्य माधव प्रिय दास जी स्वामी के वचनों को हमने सुना, जैसे नारद जी ने प्राप्त की हुई सारी विद्याएं शाश्वत थी, वैसे आपका ये उपदेश भी शाश्वत बन गया है और हमारी यूनिवर्सिटी के लिए वो हमारी शाश्वत बनकर रहेगा और सबका मार्गदर्शन करता रहेगा। जो विद्या, जो शिक्षा दोषा अपने करेगी और गुणाधान करेगी, ये सदा सर्वदा के लिए हमें प्रेरित करने वाला आपका ये प्रवचन, ये मार्गदर्शन था। विश्वविद्यालय की ओर से हम धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अब हमारे माननीय कुलपति श्री प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र महोदय को मैं विनती करता हूँ कि वो आज का इस पूरे 8 दिन के जो प्रवचन माला है, व्याख्यान माला है, उसका मार्गदर्शन समापन कार्यक्रम में करें। तो मैं माननीय इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र जी को आमंत्रित करता हूं। माननीय कुलपति श्री गोपबंधु मिश्र जी, सर, मैं विनती करता हूँ। आपका म्यूट है सर, म्यूट है आपका। सर सर आपका म्यूट है, अनम्यूट कीजिए सर। हाँ, माननीय कुलपति श्री अनम्यूट करे, म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही कुलपति श्री।
म्यूट तो है लेकिन आवाज नहीं आ रही। संदीप जी, माननीय कुलपति श्री की आवाज और चित्र कुछ नहीं आ रहा, अनम्यूट जी। चलो चेक कर लो। दृश्य आ रहा है, वॉइस नहीं आ रहा है। संदीप भाई जरा सर के पास जाकर ठीक करिए। अब यहाँ से आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। अब आ रही है जी? हाँ जी। आवाज आ रही है? बोलिए सर। बोलिए सर। ठीक है, आवाज आ रही है? कम जरूर लग रही है। आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। बोलिए। अच्छा ठीक। अभी हमसे अच्छा ठीक। हाँ आवाज आ रही है ना? जी सर बिल्कुल आ रही है। आप बोलिए। ठीक ओके। अब हाँ, श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी के द्वारा संचालित गत 23 जून से 30 जून तक संस्कृत साहित्य द्वारा व्यक्तित्व विकास के इस व्याख्यानमाला के अष्टम तथा आज इस संदर्भ में अंतिम पुष्प के रूप में हमें परम स्नेह और पुनीत आशीर्वाद के साथ जिनके व्याख्यान से अमृतवाणी प्राप्त हुई, ऐसे हम सबके सभी के लिए पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी श्री माधव प्रियदास जी और आज के इस अवसर पर इस समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में दूरस्थ होकर भी सर्वथा हमारे निकटस्थ आत्मस्थ प्रोफेसर पंकज जानी महोदय, जो अभी विद्यमान में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति श्री हैं और हमारे ही विश्वविद्यालय के स्थापक
और दो अवधि तक, दो समय तक, दो कुलपति के रूप में जिन्होंने इसको बनाया वे हमारे पूज्य डॉक्टर पंकज जानी महोदय, हमारे माननीय कुल सचिव जी, प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार पंड्या जी, डॉक्टर ललित कुमार पटेल जी जो अनुस्नातक विभाग के अध्यक्ष हैं, और इसको संचालित करने वाले डॉक्टर पंकज रावल जी, सभी संकाय प्रमुख, सभी मान्य अध्यापकगण, सभी छात्र और इस जीवंत कार्यक्रम को दूर से अपने नेत्रों से और अपने श्रवण इंद्रियों से ग्रहण करने वाले सभी मान्य श्रोतागण, सभी का मैं सादर अभिवादन, अभिनंदन, वंदन और नमन करता हूं। यह श्रृंखला हमारे लिए केवल उपलब्धि मात्र नहीं, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग नहीं, परम आनंद संदोह का एक शिक्षण संयोग और भगवत आशीर्वाद, भगवत अनुग्रह का विषय रहा। इससे पूर्व जो हमारे माननीय वक्ता इस क्रम में आ चुके हैं, जिनका स्मरण हम पहले संचालक महोदय के माध्यम से हम सुन चुके हैं, समापन सत्र होने के कारण उनको मैं पुनः स्मरण पूर्वक कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं। इसमें श्री मुदित वदनानंद जी महाराज, पूज्य श्री रमेश भाई ओझा, पूज्य भाई श्री श्रीमान मितेश विनोद कतिरा जी, सुश्री इंदुमती बहन काठधरे जी, डॉक्टर श्री महादेव प्रसाद मेहता जी, डॉक्टर श्री कृणाल भाई जोशी जी, और कल जिनका हम लोगों ने सुना पूज्य स्वामी ज्ञान वत्सल स्वामी जी, और आज जिनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ पूज्य श्री माधव प्रियदास जी, इन सभी के प्रति मैं कोटिशः नमन पूर्वक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। व्यक्तित्व विकास की जो धारा इस भारतवर्ष की एक अमूल्य निधि है, विविध स्रोतों से चिरस्रोतस्विनी यह धारा अभी तक निरवधि चलती आ रही है, उस धारा से विविध प्रसंगों के माध्यम से, विविध चरित्रों के माध्यम से और विविध कथाओं और अपनाओं के माध्यम से हमें उस अमृतपान कराया, और हमारे इस उपक्रम के माध्यम से शतशः जो श्रोता हैं सभी को उपकृत अनुग्रहित कराया। इन सभी के प्रति उन्होंने जो समय दिया, जो हमारे प्रति अनुग्रह किया, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय श्री पंकज जी जानी जी हमारे प्रति अत्यंत अनुग्रह रखते हैं, स्नेह भाव रखते हैं, क्योंकि उन्होंने इस विश्वविद्यालय को सींचा, अपने समय सम शक्ति निष्ठा जो उनकी दृष्टि आपने सभी में हम लोगों ने सुनी कि सभी में संभावना है, सभी में ऊर्जा है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी संपत्ति है, भगवान ने सबको क्षमता दे रखी है, और उसी क्षमता को विकसित करने के लिए विशिष्टतया जो छात्र हैं, छात्र केंद्रित हमारा ध्यान धारणा व्यवहार दृष्टि सब कुछ छात्र केंद्रित होनी चाहिए, और अपने भीतर का ही विकास
सबको करने का पूरा अवसर मिले, इसीलिए संस्था है, इसीलिए सारी व्यवस्था है। उन्होंने आपने सभी ने सुना और वह शुरू से उनकी यही दृष्टि रही और मुझे जब जो अवसर मिला व्यक्ति सह व्यक्ति सह मिलने में अथवा किसी समारोह में हमारे यहाँ उन्हीं के यहाँ मैं हमारे यहाँ कहकर दृष्टता कर रहा हूँ, उन्हीं के यहाँ अपने यहाँ आकर उन्होंने जब कभी संबोधित किया तो भी उन्होंने यह सभी को प्रेरित किया, हम सभी को कि हम अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्य क्या है यह समझें, यही विकास का मार्ग है। व्यक्तित्व विकास का कोई अलग से कोई बने बनाया रेडीमेड कोई उपाय नहीं होता है, जो जिसके भीतर जो भी संभावना है उसी को जागृत करके सर्वोत्कृष्ट प्रयोग उपयोग में लाना यह गुरु का कर्तव्य है। और छात्रों के लिए सर्वथा कठिन परिश्रम जैसा उन्होंने बताया आज भी, कोई विकल्प नहीं, कोई शॉर्टकट मार्ग नहीं, और यह दृढ़ संकल्प से सिद्ध हो सकता है, सिद्ध करके दिखाया भी। सभी समय में जो जो सफल हुए हैं, समर्थ हुए हैं, शक्तिशाली हुए हैं, आत्मनिर्भर हुए हैं, जिनको आत्मनिर्भरता का केवल आपने अभी बताया कि केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात नहीं है, और उसमें जो आत्मसंकल्प दृढ़ जो संपूर्ण पूर्णता की ओर बढ़ने के लिए जो यह प्रयास किया सभी सफल हुए हैं। हमारे विश्वविद्यालय की का ध्येय वाक्य भी है पूर्णता गौरवाय, पूर्णता की ओर बढ़ने से ही गौरव की अपने आप वृद्धि होती है। मैं आज के मुख्य अतिथि के रूप में अत्यंत ही एक बार प्रार्थना करने पर इतनी सहजता और इतनी सरलता और आत्मीयता के साथ आपने स्वीकार किया और यहाँ इतना समय देकर अपने अपना वक्तव्य ही नहीं और ये माननीय पूज्य स्वामी श्री से जो सभी को अपैत कर रहे थे अपनी ऊर्जा से अपनी अपनी अपने शास्त्र ज्ञान से, उसका भी आपने ग्रहण किया और समय दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और परम पूज्य स्वामी महाराज अधप्रिय दास जी विद्य काशी से हैं, जब भी मुझे आपका दर्शन और साहचर्य प्राप्त हुआ आप इतने उल्लसित होते हैं, मैं स्वयं संकुचित हो जाता हूँ कि काशी अब मुझे देखकर काशी इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि काशी से आप आए हैं और काशी स्मरण आ जाती है आपको देखकर, इतना मैं उल्लसित और भावाभिभूत हो जाता हूँ। आपका आशीर्वाद प्राप्त होता है, आपने शुरू से ही कहा कि हमें गौरव की ओर बढ़ना चाहिए, पूर्णता की ओर बढ़ना चाहिए। गौरव और गर्व में महान भेद है, गर्व स्वाभाविक है आ सकता है लेकिन हमें गौरव की स्थापना करनी चाहिए। आपने इतनी सहजता से इतनी गंभीर बातों को कि केवल हम प्रोबेबिलिटी पर ना रहें, पोटेंशियलिटी को देखें, किस प्रकार एक ही साथ दोनों कार्य करने का उत्तरदायित्व एक पीढ़ी को अगली पीढ़ी के लिए उत्तरदायित्व प्राप्त होता है, जिसमें दोषापनयन भी करना है, पुनाधान भी करना है, साथ साथ शिवेतर क्षतये सद्य निर्वृतये दोनों भी करना प्रयोजन है। एक में कहीं चुकते हैं तो पूर्ण सफलता पूर्णता की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए विद्या जो है वही विद्या है जो विमुक्तये सा विद्या जा विमुक्तये, विद्या नौकरी देने मात्र में विद्या जो सफल है वह विद्या असली विद्या नहीं है। परा अपरा विद्या की बात आपने अपने अपने वक्तव्य में प्रसंग में सब ऐसे बताया और किस प्रकार से प्रत्येक जो भद्रं करने भी श्रृणुयाम, हम कितना भद्र हमारी दृष्टि होनी चाहिए कितनी, और करना चाहिए, लेकिन वह विद्या अविद्या अमृतम तीर्त्वा विद्या अमृतम वसुंते, ये केवल इन विद्याओं से ही संतुष्ट हो जाना यह मानव का लक्ष्य न होकर विद्या जो असली विद्या है पराविद्या है वही मुक्ति की ओर वही इन्फिनिट की ओर ले जाएगा, वही पूर्णता की ओर ले जाएगा, वह सह ब्रह्मणा विपश्चिता उसकी पूर्ति वही कर पाएगा।
व्यष्टि और समष्टि के चक्र में न रहकर हम पूरी सृष्टि के पूरी सृष्टि में केवल मानव नहीं, मानव कितने प्राणी हैं, असंख्य प्राणी हैं और इतने वनस्पतियां हैं और कितना कितनी व्यापकता है, उस सृष्टि की व्यापकता को केवल समझने की क्षमता, उसका उसको उनका कल्याण करना, ये केवल मनुष्य को ईश्वर ने शक्ति दे रखी है। इसलिए मनुष्य ही विकास की बात करता है और मनुष्य विकास विकसित हुआ भी है, आपने बताया विकसित तो हुआ है, हो भी रहा है, लेकिन दिशा उसकी सही कहीं नहीं होने के कारण इतना विपर्यय हो जाता है। दिशा सही होने के कारण कोई इसी शरीर में ही कोई ऋषि बन जाते हैं, महर्षि बनते हैं, महापुरुष बनते हैं, महामानव होते हैं, संपूर्ण विश्व संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण करते हैं और इसी मानव शरीर में ही कोई दानव बन जाता है। दैवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय सूरीमता, दैवी संपत्ति की इतना विकास हो जाता है कि वो कितना कल्याण कर जाते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी अपने ही जन्म काल में 47 वर्ष की आयु में उन्होंने प्रारंभ किया। आश्चर्य होता है जो व्यक्ति एक संकल्प लेकर 47 वर्ष की आयु में प्रारंभ करते हैं, एक इतनी बड़ी संस्था, इतनी बड़ी और पूरे सरकारी सहायता, संपूर्ण जनता और जनता के स्नेह और उनकी संपत्ति, उनकी विभूति से निर्मित यह इतनी बड़ी संस्था काशी हिंदू विश्वविद्यालय करके दिखाते हैं। एक मानव शरीर लेकर भी सृष्टि की इतनी व्यापकता को भीतर समाये हुए भागवत धारा को अपने भीतर प्रवाह इस प्रकार से सिद्ध करके दिखाया। अभी इसी युग में ही, इसी समय में भी अनेक असंख्य उदाहरण हमारे सामने हैं। इसलिए हम भौतिक विद्या की, उन्होंने भौतिक विद्या की उपेक्षा नहीं की, लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में के समय में गेट में प्रथम प्रवेश के काल में पहले आतुरों के लिए आतुरालय बनाया कि आतुरों में जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आएंगे, जो रुग्ण हैं, आतुर हैं, वो दूर उनको चलना ना पड़े, कष्ट उठाना ना पड़े, इसलिए गेट के पास ही उन्होंने आतुरालय बनाया, गेट के पास ही महिला कॉलेज बनाया। कितनी व्यापकता रहती थी उस समय जब अंग्रेजों का शासन था। अर्थात एक उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूँ, इतनी व्यापकता समाने की क्षमता मनुष्य में है, इसी मनुष्य को इतना विकसित होने के की सामर्थ्य भी ईश्वर ने दे रखी। इतना विकसित हो जाओ, इतना बड़ा बन सकते हो, ईश्वर भी चकित रह जाएंगे कि कितनी मेरी सृष्टि कितनी व्यापक है, कितनी बड़ी है, कितनी ओजस्विनी है और कितनी प्रतिभावती है और आज उसकी इससे कितना असाध्य साधित हो रहा है, कितने महात्माओं का सृष्टि हो रही है, कितने संत महात्मा कितने उदात्त चित्त उदात्त भाव से रह रहे हैं। अच्छा, अर्थात संभाव इतनी पूर्णता की ओर, पूरे विकास की ओर कैसे बढ़ सकते हैं, अमरता की ओर जा सकते हैं। अमरता की बात आपने बताई, यह शरीर तो सबका मरणशील है, लेकिन अमरता इसी में ही है जो पूर्णता की ओर बढ़ते हैं और इन्फिनिट की बात करते हैं, पोटेंशियलिटी की बात करते हैं और उसमें संभावना इतनी संभावनाएं हैं कि जीते जागते उदाहरणों के द्वारा शास्त्रों में इतनी पुष्टि है, शास्त्रों का मार्ग, इसलिए तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते यह कहकर शास्त्रों ने अपनी उसमें भगवान ने बताया कि शास्त्र में इतनी शास्त्र ही प्रमाण मानो, शास्त्र ही मार्गदर्शक हो जाए तो निश्चित रूप से योगेश्वर बन जाएंगे मार्गदर्शक। तो आपने डॉक्टर पंकजानी जी से भी बताया, योगेश्वर जब टीचर शिक्षक हो जाते हैं, सारथी हो जाते हैं, तो कोई अर्जुन को कोई खतरा नहीं है। तत्र पार्थ धनुर्धर, वो पार्थ धनुर्धर विद्यमान है लेकिन योगेश्वर की अपेक्षा है, योगेश्वर सही मार्ग दिखाते हैं। तो तत्र श्रीर विजयो भूतिर धुवा नीतिर मतिर मम, उसमें इतनी सारी उपलब्धियां होती होगी ही, कोई संदेह नहीं इसी उपलब्धि के विषय में। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आप सभी के प्रति विशिष्टतया आज हमारे जो मान्य पूज्य स्वामी माधवप्रिय दास जी, आपने इतना और इतनी व्यापकता के साथ हमें मार्गदर्शन हमारे लिए वाणी की वर्षा की और हमारे प्रति इतना स्नेह रखते हैं और हम एक पूरे, क्योंकि आप स्नेह मूर्ति हैं। जब जब भी आपको सबको सुनने का अवसर मिला और आपका सानिध्य प्राप्त हुआ,
और आपके विषय में श्रुति होती है तो उसमें स्नेह मूर्ति हैं, सभी के प्रति स्नेह करते हैं, हम भी उसमें कहीं ना कहीं एक पात्र, कभी कभी छोटा सा ही पात्र सही स्नेह के पात्र बन जाते हैं। तो आपका आपकी इतनी वर्षा होती है, वो स्नेह पात्र छोटा पड़ जाता है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हमारे पात्र को और बड़ा करें, ताकि आपके द्वारा आपसे प्राप्त स्नेह हम अधिक से अधिक आत्मसात कर सकें। प्रोफेसर पंकज जानी जी भी हमारे प्रति अनुग्रह करते हैं, ये अनुग्रह बनाए रखें। और भगवान श्री सोमनाथ और श्री महाकालेश्वर, ये दोनों ये विभूति और हम और यह जो रूप हैं, यह ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्मय तत्व हैं हमारे भीतर, सभी के भीतर विद्यमान जो ज्योतिर्मय तत्व हैं, वह फिर आनंद मूर्ति और आनंद सच्चिदानंद की प्राप्ति उसमें हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस उपक्रम के में इस पूर्णाहुति में आपने पुरोधा का रूप लेकर हमारी इस पूर्णाहुति में हमें प्रेरित किया और आगे कुछ बढ़ने के लिए हमें उत्साहित किया कि हम अभिभूत हैं। और विश्वविद्यालय की ओर से आप महानुभावों के प्रति बार बार नमन पूर्वक अपनी श्रद्धा और सादर कृतज्ञता अभिव्यक्त करता हूं। धन्यवाद। माननीय कुलपति श्री का आभार व्यक्त करते हुए मैं कुल सचिव श्री को आभार दर्शन करने के लिए निमंत्रित करता हूं। डॉक्टर जाधव सर को निमंत्रित करता हूं कि वे व्याख्यान माला का आभार दर्शन करें। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। आवाज आवे छे? आवाज आवे छे। हेलो हेलो। जय सोमनाथ सर। आवाज आवे छे सर? आवाज आवे छे। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। मारे સૌને નમ્ર વિનંતી છે, મહાનુભાવ હોય પોતાનો ફોન અનમ્યુટ કરે જેથી કરીને બીજા પડના जय सोमनाथ। श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी द्वारा पोतानु कर्तव्य समझीने संस्कृत साहित्य द्वारा व्यक्तित्व विकास नामनी व्याख्यानमाला शुरू 23 तारीख थे, एनु आजे समापन सत्र આપણે કરી રહ્યા છીએ। આજના આ સમાપન સત્રના અધ્યક્ષ શ્રી સોમનાથ સંસ્કૃત યુનિવર્સિટીના માનનીય કુલપતિ શ્રી પ્રોફેસર ગોપબંધુ મિશ્ર સાહેબ, અતિથિ વિશેષ તરીકે જેઓ ઉજ્જૈન રહીને પણ આપણી સાથે જોડાયા છે એવા શ્રી સોમનાથ સંસ્કૃત યુનિવર્સિટી અને ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર ઉપરના પૂર્વ કુલપતિ શ્રી, તેમજ આજે મહર્ષિ પાણિની સંસ્કૃત એવં વૈદિક વિશ્વવિદ્યાલય ઉજ્જૈનના માનનીય સન્માનનીય કુલપતિ શ્રી પ્રોફેસર ડોક્ટર પંકજ જાની સાહેબ, જેમનો હમણાં આપણને લાભ મળ્યો છે એવા ગુરુ, પરમ શ્રદ્ધે પરમ પૂજ્ય સારસ્વત તરીકે આપણને જેમને માર્ગદર્શન કર્યું છે એવા શ્રી માધવપ્રિયદાસ સ્વામીજીને પ્રણામ કરું છું, વંદન કરું છું। યુનિવર્સિટીના વિવિધ ફેકલ્ટીના ડીનશ્રીઓ, પ્રોફેસરશ્રીઓ, યુનિવર્સિટીના અધિકારી કર્મચારીશ્રીઓ, આ ફોન ફેસબુકના માધ્યમથી સંસ્કૃત પ્રેમી જે પણ સાંભળી રહ્યા છે કાર્યક્રમને, એ અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ શ્રી સોમનાથ સંસ્કૃત યુનિવર્સિટી આ પ્રકારના વિવિધ કાર્યક્રમો કરે એ પ્રકારની જયારે ચર્ચા થઈ ત્યારે માન્ય કુલપતિશ્રીએ માર્ગદર્શન આપ્યું કે સંસ્કૃત સાહિત્યની જે સંપદા છે એની પાસે જે સંપત્તિ છે અથવા વ્યક્તિત્વ વિકાસ માટે અમૂલ્ય ઘરણું છે એ આજે માત્ર વિદ્યાર્થી જ વ્યક્તિત્વ વિકાસ ઈચ્છે છે એવું નહીં, સમાજનો હર નાગરિક પોતાનો વિકાસ થાય એવું વિચારી રહ્યો છે, ત્યારે આપણું એક કર્તવ્ય બને છે કે વિવિધ વક્તાઓને સંસ્કૃત પ્રેમી છે જે સંસ્કૃત સાથે સદત સંકળાયેલા છે એવા વક્તાઓને નિમંત્રિત કરીને આપણે સમાજ સુધી વ્યક્તિત્વ સંસ્કૃતનું જે સાહિત્ય છે અથવા સંસ્કૃતના ગ્રંથો છે એનું
व्यक्तित्व विकास कई रीते थई शके एवं व्याख्यान शुरू करिए। आप सौ जाणो छो के यूनिवर्सिटी 23 तारीख थी आ कार्यक्रम शुरू करेलो छे। रोज सांजे 5-6 विशिष्ट व्याख्यान व्यक्तित्व विकास माटेनु यूनिवर्सिटी करवामां आव्युं छे। हजारों लोकोए आ यूनिवर्सिटी ना कार्यक्रम ने फेसबुक ना माध्यम थी निहाळ्यु छे। त्यारे हुं माननीय कुलपति श्री नो आभार मानु छु के अमने आवो प्रकारनो एक विचार आवीने अमने आ कार्यक्रम करवा माटेनी प्रेरणा आपी, जेथी करीने आपणे आ कार्यक्रम करी शक्या छीए अने आजे एनुं समापन करवा जई रह्या छे। हुं माननीय कुलपति श्री पूर्व कुलपति श्री सोमनाथ आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अने जे अतिथि विशेष तरीके जेमनो यूनिवर्सिटी माटेनो अथाक प्रेम छे, पोतानी यूनिवर्सिटी आजे पण माने छे, मात्र एक फोन थी माननीय कुलपति श्री व्यस्त होवा छतां पण आ कार्यक्रम में समापन में अतिथि विशेष तरीके उपस्थित रहीने एमने जे उपस्थित रह्या छे एटलुं नहीं व्यक्तित्व विकास माटेनी आपणने मार्गदर्शन पण कर्युं छे, जेमनुं मार्गदर्शन अमने सतत 6 वर्ष मळ्युं छे माटे अमारो आ विकास थयो छे एवुं कहुं तो पण मने खोटुं नथी। कारण के यूनिवर्सिटीना विकासमां जेमनो कोई सी फाळो छे एवा माननीय कुलपति श्रीनो पण हुं अहींया सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी वती खूब खूब आभार मानु छू। आपनो प्रेम, आपनो जे स्नेह छे अमारा उपर यूनिवर्सिटी उपर ए कायम रहे एना माटे पण हुं आपने विनंती करू छू। पुनः हुं फरी आप पंकज जानी साहेबनो खूब खूब आभार मानु छू। पंकज भाई आजना सारस्वत अतिथि परम पूज्य श्रद्धे श्री स्वामीजी ने बात करता स्वामीजी कहू के पंकज भाई एटलो बधो मारो परिचय आप्यो के हुं दबाई जाऊं, पण हजु पण बधु आपी शकाय एवी स्थितिमां छो माटे पंकज भाई आप्यो छे। आपनो सतत प्रेम यूनिवर्सिटी माटे छे, आप संस्कृत अनुरागी छो, आप महा सरस मजानी महाविद्या चाले छे एनुं संचालन करी रह्या छो અને અમારા ઉપર યુનિવર્સિટી ઉપર બધા જ કર્મચારી ઉપર આપનો સતત પ્રેમ સ્નેહ છે, માટે આપે અમારા આમંત્રણનો સ્વીકાર કર્યો છે। માત્ર આમંત્રણનો સ્વીકાર નહીં, અતિથિ વિશેષ તરીકે સારસ્વત અતિથિ તરીકે એક વિશિષ્ટ વ્યાખ્યાન આપવા માટે હું પરમ પૂજ્ય સદ્ય પ્રણામ સાથે વંદન સાથે શ્રી માધવ પ્રિયદાસ સ્વામીજીનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। હું આજે 8 દિવસ માટે જેટલા પણ મહાનુભાવોને યુનિવર્સિટી દ્વારા એમનું યાદ કરીને મેં માત્ર ટેલિફોન થી સંપર્ક કરતા સૌ મહાનુભાવોએ સંસ્કૃત અનુરાગીઓએ યુનિવર્સિટી માટે કાયમ સ્નેહ જેમનો છે, પ્રેમ છે, અમને સતત માર્ગદર્શન કરી રહ્યા છે એવા સૌ પણ મહાનુભાવોને નામ 2 વખત બોલાયા છે। ફરી પણ હું આજે કહેવા માંગુ છું કે નડિયાદથી શ્રી મુદિત વંદનાનંદજી મહારાજ, પૂજ્ય ભાઈશ્રી શ્રી મિતેશ કતિરાજી, શ્રી ઇન્દુમતીબેન કાગદરે, ડોક્ટર મહાદેવ પ્રસાદજી, ડોક્ટર શ્રી કૃણાલ જોશીજી, પરમ પૂજ્ય શ્રી જ્ઞાનવત્સલ સ્વામી અને આજે હમણાં આપણે જેમનું વક્તવ્ય સાંભળ્યું છે, વ્યાખ્યાન સાંભળ્યું છે, જેમના આશીર્વાદ આપણને સૌને મળ્યા છે એવા શ્રી માધવ સ્વામીનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। હું આભાર યુનિવર્સિટીમાં બંને સંયોજક શ્રીઓનો અનુષ્ઠાન વિભાગના અધ્યક્ષ શ્રી અને સંયોજક શ્રી પ્રોફેસર લલિતભાઈ પટેલ સાહેબનો માનું છું કે જેમણે 8 દિવસ માટે સૌનો સંપર્ક કરીને યોગ્ય વ્યવસ્થા કરીને લિંક મોકલવાથી માંડીને એમનો પરિચય મેળવવો, પરિચય આપવો, એના માટેના પ્રોફેસર શ્રીઓને વિનંતી કરવી, તૈયારી કરાવવી, સમયસર શરૂ કા વ્યાખ્યાન થાય અને સમયસર પૂરું થાય એ બધી જ બાબતનું ધ્યાન રાખ્યું છે માટે પ્રોફેસર લલિતભાઈ પટેલ સાહેબનો, તેમજ બેન શ્રી પુરાણ અને ડોક્ટર પંકજભાઈ રાવલ સાહેબ, જેમને આપણે મોટા ભાગના કાર્યક્રમોમાં એ પોતે સંચાલક તરીકે પણ એમને કામગીરી કરી છે, એ બંને મહાનુભાવો સંયોજકનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। યુનિવર્સિટીના કાર્યક્રમમાં યુનિવર્સિટીના બિનશ્રીઓ, પ્રિન્સિપાલ, અન્ય પ્રોફેસર શ્રીઓનો સહયોગ ખૂબ મળ્યો છે, ત્યારે હું યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર શ્રીઓનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। સાથે સાથે આ બધું જ કાર્યક્રમ આપણે દૂરસ્થ કરી રહ્યા છીએ, એકબીજાને જોઈ શકીએ છીએ, સાંભળી શકીએ છીએ, ટેકનોલોજીનો આપણે ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ, ત્યારે મારે યુનિવર્સિટી ટીમ છે ટેકનોલોજી આખું ટેકનિકલ સાઈડ સંભાળેલી છે એવા કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામર ખેરજી,
અને સંદીપભાઈ બંનેનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે તે સતત એક્ટિવ રહીને નાના મોટા પ્રશ્નો હોય તો પણ સોલ્વ કરીને આ કાર્યક્રમ સરસ રીતે આપણે કરી શક્યા છીએ, માટે એમનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. સાથે સાથે ફેસબુકના માધ્યમથી રામપ્રિયજી પ્રણામ, આપને હું યાદ કરું છું કે રામપ્રિયજી તો આપણી સામે દેખાય છે પણ અનેક મહાનુભાવો, અનેક લોકો, મહાવિદ્યાલયના પ્રિન્સિપાલ શ્રીઓ, વિદ્યાર્થીઓ, પ્રાધ્યાપક શ્રીઓ, માત્ર ગુજરાત નહીં, ગુજરાતથી બહાર અમને પ્રતિસ્પંદન મળે છે ત્યારે ખ્યાલ આવે છે કેટલા લોકો આ વ્યાખ્યાન માળા સાંભળી રહ્યા છે. એ બધાનો યુનિવર્સિટી માટેનો પ્રેમ છે, સંસ્કૃત માટેનો પ્રેમ છે. આપ સૌ અમારી સાથે જોડાયા છો માટે આપ સૌનો પણ હું હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. વિદ્યાર્થીઓનો યુનિવર્સિટી સાથે જોડાયેલા મહાવિદ્યાલયમાં ભણતા અભ્યાસ કરતા વિદ્યાલયો પણ અનેક વિદ્યાર્થીઓ આ કાર્યક્રમ જોઈ રહ્યા છે. અમને આ જે કાર્યક્રમ કર્યો છે એમાં જે પ્રતિભાવો મળ્યા છે એનાથી ખૂબ ખુશ છીએ કે શ્રી સોમનાથ સંસ્કૃત યુનિવર્સિટીને શ્રી સોમનાથ ભગવાનની કૃપાથી આવો વિચાર આવ્યો અને આ કાર્યક્રમ કરવા માટે તમામ મહાનુભાવોએ જેમને પણ અમે આમંત્રિત કર્યા એમને સહર્ષ રીતે અમારા આમંત્રણને સ્વીકાર કર્યો અને બધા લોકોએ, બધા મહાનુભાવોએ, બધા જ સંતો મહંતો, બધા લોકોનો અમારા ઉપર આશીર્વાદ છે ત્યારે અમે આ કાર્યક્રમ કરી શક્યા છીએ, માટે સૌનો હું આભાર માનું છું. છેલ્લે જે પણ આ આખા જે 8 દિવસનો કાર્યક્રમમાં પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે જે આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે જેમને મહેનત કરી છે, મદદ કરી છે, એમનો હું શ્રી સોમનાથ સંસ્કૃત યુનિવર્સિટીના પરિવાર વતી દશરથ જાદવ રજિસ્ટ્રાર સૌનો આભાર માનું છું. જય તું સોમનાથ. જેમણે આ કાર્યક્રમ, સમગ્ર કાર્યક્રમનો આભાર વ્યક્ત કર્યો છે એવા ડોક્ટર દત્તનો પણ આ તબક્કે હું આભાર વ્યક્ત કરું છું, કારણ કે માનનીય કુલપતિશ્રીની પ્રેરણા અને માર્ગદર્શન તો સમગ્ર કાર્યક્રમમાં રહ્યું જ છે પણ સાથે સાથે ડોક્ટર દશરથભાઈ જાદવ સાહેબની પ્રેરણા અને માર્ગદર્શન પણ સતત મળતું રહ્યું છે. મહાનુભાવોના સંપર્કથી લઈ અન્ય બાબતોની એમને ચિંતા વખતો વખત અમને પૂછી અને જે તે કાર્ય વિશે પૃચ્છા કરી અને માર્ગદર્શન આપ્યું છે. અને દરેક વક્તા પણ અદ્ભુત હતા. એમના વ્યાખ્યાનો આપણી યુનિવર્સિટી માટે માર્ગદર્શક રૂપ સદા રહેશે. એ સાથે આ કાર્યક્રમ અહીં સંપન્ન થાય છે. આ વ્યાખ્યાન માળા અહીં પૂરી, તેનો સમાપન આપણે શાંતિમંત્ર કરીશું. હું શાંતિમંત્ર બોલું છું, આ વ્યાખ્યાન માળા પૂરી થશે. ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદમ્ પૂર્ણાત્ પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિઃ. સર્વેભ્યો નમો નમઃ. જયતુ સોમનાથઃ. જયતુ સંસ્કૃતમ. જય સોમનાથ. સર્વેભ્યો નમો નમઃ. સર્વેભ્યો નમો નમઃ. જય સોમનાથ. Thank you.